ऐसे ही और भी एपिसोड को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अमोदिता तुरंत अपने आसपास देखते हुए तारा से पूछती है, वो कहाँ गया? क्या उसका अंत हो गया? वो मर गया? तारा कुछ जवाब देती है उससे पहले यामिनी बोल पड़ती है, नहीं वो मरा नहीं है, उसको मारना इतना आसान नहीं है, वो ऐसे नहीं मरने वाला। अमोदिता अपने आसपास देखते हुए हकलाते हुए कहती है, फिर वो कहाँ पर है? क्या वो यहीं पर है, हमारे हमारे आसपास? अमोदिता के इतना कहते ही यामिनी अपनी आंखें बंद करती है और अपनी शक्तियों से अनुराग की मौजूदगी को वहां पर महसूस करने की कोशिश करने लग जाती है। यामिनी को कुछ महसूस होता है और तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं वो यहाँ पर नहीं है, वो तारा को लिए बिना ही चले गया। यामिनी अगले ही पल तारा को देखते हुए हड़बड़ाहट के साथ उससे पूछती है, ये तुमने कैसे किया? कैसे किया तुमने तारा? तारा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी उससे किस बारे में बात कर रही थी, उसे क्या पूछना चाहती थी। तारा मुंह बनाते हुए यामिनी से पूछती है, मैंने क्या किया यामिनी दीदी, आप क्या बोल रही हैं? यामिनी हड़बड़ाहट के साथ तुरंत जवाब देती है, तुमने उसे कमजोर कर दिया, मैंने देखा था वो कमजोर पड़ रहा था, तुम उसे और ज्यादा कमजोर करती, उससे पहले ही वो यहाँ से चले गया, ये सब तुमने कैसे किया तारा? तारा यामिनी को एक तक नजर से देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता यामिनी दीदी ये सब मैंने कैसे किया, मैं तो बस उसे खत्म करना चाहती थी लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा था, मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद। यामिनी खोए हुए अंदाज में कहती है, वो ऐसे खत्म नहीं होने वाला तारा, लगता है तुम उसे बस कमजोर कर सकती हो, मार नहीं सकती। तारा यामिनी से पलटकर कुछ पूछती उससे पहले ही तारा के बगल में खड़ी वर्चस्विनी डर भरे लहजे में कहती है, क्या वो वापस आएगा? यामिनी किसी सोच में खोई रहती है, वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वर्चस्विनी फिर यामिनी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछती है, तुम चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं, बताओ क्या वो वापस आएगा? यामिनी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाँ वो वापस आएगा तारा को लेने, इस बार तो वो तारा को लिए बिना चले गया, पर अगली बार जब वो आएगा तो तारा को लेकर ही जाएगा, हम उसे नहीं रोक पाएंगे। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है वहां पर मौजूद सभी लोगों के मन में खौफ वापस से बढ़ जाता है, सभी का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। सुबह हो गई थी, रात भर हवेली के अंदर सभी की नींद उड़ी हुई थी, कोई ढंग से सो नहीं पाया था, यदि किसी की आंख लग भी जाती थी तो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। इस वक्त सभी लोग हॉल में मौजूद थे। रात में बवंडर के अंदर गोल गोल घूमते हुए जिनके भी शरीर पर जो जो चोटें खरोचे आई थी, अमोदिता ने सबकी मरहम पट्टी कर दी थी। युग के सिर पर पट्टी बंधी थी तो अभिमन्यु के हाथ पर, डायना की उंगलियों पर, तो कायर के पैरों पर। बवंडर के अंदर फंसे लोगों में से किसी को चोट नहीं लगी थी तो वो था चैटर्जी, जो एक हैरान करने वाली बात थी कि उसे कोई खरोच नहीं आई थी, वो एकदम सही सलामत था। पर अभी तक इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया था क्योंकि सब पहले से ही अलग अलग बात को लेकर परेशान थे। सबसे ज्यादा जो दर्द में था वो था कछुआ, रात में उसके बदन पर कांटे चुभे होने के कारण कुछ कांटे उसके शरीर के अंदर ही घुसे रह गए थे, जिसे निकालने में अमोदिता को काफी दिक्कत हुई थी और उसे वर्चस्विनी की मदद लेनी पड़ गई थी। वर्चस्विनी ने अपनी आंखों से आंसू बहाते बहाते उन कांटों को बाहर निकाला था। उस वक्त उसे अपने मन में कछुए के लिए प्यार का एहसास हो रहा था जो वो अब तक नहीं कर पाई थी। आधी रात में दिलीप बार बार युग से यामिनी के बारे में पूछ रहा था, युग पर दबाव बना रहा था यामिनी के बारे में बताने के लिए। जानकी और रजनी भी यामिनी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, जिस कारण युग को ना चाहते हुए भी यामिनी के बारे में सबको सब कुछ बताना पड़ गया था कि वो कौन थी और उसके वहाँ पर आने का मकसद क्या था। यामिनी ने भी रात में युग को एक बार भी नहीं रोका था क्योंकि वो इतना तो जान गई थी कि ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सबके सामने एक ना एक दिन आना ही था, जो उस काले साए के अंत के लिए बहुत जरूरी था। जब तक सारे राज नहीं खुलने वाले थे, उस काले साए का अंत नहीं होने वाला था। जब से अमोदिता को पता चला था कि यामिनी यक्षिणी की बेटी थी तो वो यामिनी से डर डर कर रहने लग गई थी। उसने अपने मन से अब युग को पाने का ख्याल निकाल ही दिया था। वो जान गई थी कि युग उसका कभी नहीं हो सकता था, वो यामिनी का बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए उसने चैटर्जी पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे और उसी की सेवा करने में लगी हुई थी, उसी की देख रेख कर रही थी। रात में ही जब वर्चस्वी ने यामिनी से बार बार पूछ रही थी कि आखिर क्यों वो काला साया तारा के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों वो तारा को ले जाना चाहता है, तो यामिनी को भी वर्चस्विनी को तारा के बारे में सब कुछ बताना पड़ गया था। यामिनी ने तारा के बारे में वर्चस्विनी को एक एक बात बता दी थी कि कैसे उसका जन्म हुआ था, उसके माँ बाप कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई थी, सब कुछ बता दिया था। एक भी बात बतानी नहीं छोड़ी थी, उसने बता दिया था कि क्यों मायाधारी तारा के पीछे पड़ी हुई थी और क्यों अब काला साया तारा के पीछे पड़ा हुआ है। वर्चस्विनी को पता चल गया था कि तारा कोई मामूली बच्ची नहीं है बल्कि उसके अंदर महाशक्ति है, वो महाशक्ति जो पूरी दुनिया पलटने की क्षमता रखती है, इसलिए काला साया उसके पीछे पड़ा हुआ है। वर्चस्विनी इस वक्त कछुए के पास ही बैठी हुई थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी।
कल रात से जब से यामिनी ने कहा था कि वो काला साया तारा को लेने के लिए वापस आएगा, तब से वर्चस्विनी एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पाई थी। हर पल तारा के बारे में सोच रही थी और उसके बारे में सोचते सोचते परेशान हो रही थी, उसकी चिंता बढ़ते जा रही थी। जब वर्चस्विनी काले साये के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लेती है तो उसे कल रात के पल याद आने लग जाते हैं जब वो उस काले साये के साथ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर थी। उसे वो बातें याद आने लग जाती हैं जो उस काले साये ने चटर्जी के बारे में कही थी। उसे याद आता है कि उस काले साये ने क्यों चटर्जी की बलि नहीं दी थी, क्यों वो चटर्जी को नहीं मार पाया था। उसे ये भी याद आता है कि चटर्जी के पिता की मौत कैसे हुई थी। एक एक करके वर्चस्विनी को रात की सब बातें याद ही आ रही थी कि तभी उसे याद आता है कि वो काला साया किसी दो शख्स का जिक्र कर रहा था जिसके बारे में बात करते हुए काला साया बहुत गुस्से में था। उन दो शख्स में पहला शख्स तो खुद चटर्जी था, पर दूसरा कौन था वो उस काले साये ने नहीं बताया था। इस सवाल का जवाब देने से पहले ही ब्लड मून शुरू हो गया था। वर्चस्विनी सोचने लग जाती है कि वो दूसरा शख्स कौन था, कौन था जो चटर्जी के साथ मिला हुआ था और उन दोनों ने मिलकर ऐसा क्या किया था कि काले साये को उन पर इतना गुस्सा आ रहा था। वर्चस्विनी उस दूसरे शख्स का अंदाजा नहीं लगा पाती है और अगले ही पल उसके पास बैठे चटर्जी से पूछ बैठती है। चटर्जी? चटर्जी तुरंत पलट कर कहता है, जी वर्चस्विनी मैम कहिए। वर्चस्विनी कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। चटर्जी झट से जवाब देता है, हाँ पूछे ना मैम, क्या पूछना था आपको। वर्चस्विनी कल रात की बातों को याद करते हुए कहती है, कल रात वो काला साया कह रहा था कि। इतना कहकर वर्चस्विनी खुद ब खुद चुप हो जाती है, वो किसी गहरी सोच में डूब जाती है। चटर्जी तुरंत वर्चस्विनी से पलट कर पूछता है, आप चुप क्यों हो गई मैम, कहिए ना क्या बोल रही थी आप। वर्चस्विनी मन में सोचने लग जाती है, नहीं नहीं मैं ऐसे चटर्जी से डायरेक्ट कुछ भी पूछूंगी तो वो मुझे कभी सच नहीं बताने वाला। ये चटर्जी भी बहुत चालाक है, मुझे कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी ताकि चटर्जी का सारा सच सामने आ जाए। और मुझे पूरा यकीन है ये चटर्जी कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। मैं अभी चटर्जी के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती हूँ, ना ही इसके बारे में किसी से बात कर सकती हूँ। चटर्जी फिर वर्चस्विनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, मैम कहाँ खो गई आप, कहिए ना क्या पूछ रही थी आप, क्या बता रहा था वो काला साया आपको। वर्चस्विनी बात को बदलते हुए कहती है, चटर्जी वो काला साया कह रहा था कि वो सबका अंत कर देगा, वो सबको मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। चटर्जी वर्चस्विनी को दिलासा देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, भरोसा रखिए, उस काले साये के हमारे अंत करने से पहले हम सब मिलकर उसका अंत कर देंगे। कोई कुछ और कहता उससे पहले ही कछुए की कराहने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। आह आह, कछुए की नींद खुलने लग जाती है और अगले ही पल वो अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो अपनी आंखों के सामने वर्चस्विनी को पाता है जो रात से उसके पास ही बैठी हुई थी। वर्चस्विनी तुरंत कछुए से पूछती है, तुम कैसे हो आप। कछुआ जवाब देता है, मैं ठीक हूँ वर्चू, तारा कैसी है। वर्चस्विनी तारा की तरफ देखते हुए कहती है, तारा भी ठीक है। कछुआ या वर्चस्विनी एक दूसरे से कुछ और कहते या पूछते उससे पहले ही दिलीप गुस्से से बड़बड़ा पड़ता है। ये सब उस अनुराग के कारण ही हो रहा है, इन सब के पीछे वही मनहूस है साला। दिलीप कल रात से ही बहुत गुस्से में था और अब उसके गुस्से का सब्र का बांध टूट गया था। उसके अंदर अनुराग के लिए जितनी भी भड़ास भरी हुई थी सारी बाहर आ रही थी। दिलीप फिर गुस्से से बड़बड़ा पड़ता है, ये सब वही कर रहा है कमीना कहीं का, मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला, लौट आया और अब फिर से मेरे गांव को बर्बाद करने में लगा हुआ है। दिलीप के ताने सुनकर युग के भी सब्र का बांध टूट जाता है। इतना सब होने के बाद वो अपने पापा के बारे में दिलीप के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। वो तुरंत गुस्से के साथ ही दिलीप पर चिढ़ते हुए कहता है, आप जब देखो मेरे पापा को ही दोष क्यों देते रहते हैं। दिलीप पलट कर गुस्से के साथ ही कहता है, तो फिर किसे दूं, कल रात तूने देखा नहीं था क्या वो अनुराग क्या कर रहा था, कैसे सबको मारने पर तुला हुआ था, वो तो ये यामिनी। दिलीप अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही योग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, कल रात जो शख्स हमारे सामने था वो मेरे पापा नहीं थे, उनके अंदर वो काला साया था जो ग्रेवयार्ड कोठी में सालों से है। वर्चस्विनी बीच में दखल देते हुए कहती है, हाँ वो लेखक बाबू नहीं थे, मैंने बताया तो आप सबको, उस काले साये ने मेरी आंखों के सामने अनुराग के शरीर में प्रवेश लिया था, कल रात जो कुछ भी हुआ वो लेखक बाबू ने नहीं उस काले साये ने किया है। वर्चस्विनी के बीच में दखल देने पर दिलीप पलट कर कुछ जवाब नहीं दे पाता है और वो खामोश रहता है। अभिमन्यु रात से एक ही सोच में खोया हुआ था और वो ये थी कि उस काले साये ने आखिर अनुराग का शरीर ही क्यों चुना था, किसी और का क्यों नहीं, उसे अनुराग के शरीर की ही आखिर क्यों जरूरत थी। यही सब सवाल अभिमन्यु को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहे थे। वो इन सवालों के जवाब खोजने में कुछ इस कदर खो गया था कि हवेली के अंदर कौन क्या बात कर रहा था उसका इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं था। डायना भी उसी के पास में बैठी हुई थी जो उसे परेशान देखकर खुद परेशान हो रही थी। वर्चस्विनी ने अभी अपनी बात पूरी ही करी थी कि तभी उसकी नजर युग के हाथों पर जो चार निशान बने हुए थे उन पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ अपनी जगह से उठती है, युग के पास जाती है और उसके हाथों के निशान को नजदीक से देखते हुए कहती है,
ये निशान तो वही है जो लेखक बाबू के हाथ पर बने हुए थे। युग हैरानी के साथ अपने भवे ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा आपने, मेरे पापा के हाथ पर? वर्चस्विनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, इन्हीं निशानों के अंदर समाकर तो वो काला साया तुम्हारे पापा के शरीर के अंदर घुसा था। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है, अभिमन्यु का ध्यान वर्चस्विनी की बातों की तरफ आकर्षित हो जाता है और वो वर्चस्विनी की बातें गौर से सुनने लग जाता है। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, हाँ, कि हूबहू वैसे ही निशान है जैसे तुम्हारे पापा के हाथ पर बने हुए हैं। मुझे वो निशान अच्छे से याद है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये निशान तुम्हारे हाथों पर कैसे आए, क्या ये तुम्हारे बर्थ मार्क है? युग जवाब देता है, नहीं, ये मेरे बर्थ मार्क नहीं है, बल्कि ये निशान तो यहाँ पर आने के बाद मेरे हाथों पर आना शुरू हुए हैं। वर्चस्विनी पलट कर पूछती है, और तुम्हारे पापा के हाथों पर, क्या उनके हाथों पर ये निशान जन्म से थे? युग कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे याद नहीं, मैंने तो पापा के हाथों पर ये निशान कभी देखे ही नहीं, वो हमेशा लंबी आस्तीन के कुर्ते पहना करते थे। वर्चस्विनी कहती है, मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये निशान तुम्हारे पापा के हाथ पर जन्म से है या नहीं? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता। वर्चस्विनी सोच में पड़ते हुए कहती है, फिर किसे पता होगा कि ये निशान लेखक बाबू के हाथ पर उनके जन्म से थे या नहीं? अभिमन्यु बीच में दखल देते हुए कहता है, मुझे पता है, इस बारे में किसे पता हो सकता है? युग हैरानी के साथ पूछ पड़ता है, किसे अभिमन्यु, किसे पता होगा? इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग हैरानी के साथ पूछ पड़ता है, किसे अभिमन्यु, किसे पता होगा? अभिमन्यु अपनी नजरों से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दिलीप अंकल को युग, उनके अलावा अनुराग अंकल को और कौन अच्छे से जान सकता है? अभिमन्यु को इतना कहते ही सब लोग दिलीप की तरफ देखने लग जाते हैं, उसे घूरने लग जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, दिलीप अंकल तो अनुराग अंकल के भाई है ना, तो उन्हें तो पता ही होगा कि। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दिलीप उसे बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है, वो कोई मेरा भाई भाई नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो तो मेरे पापा को बहता हुआ मिला था किश्नोई नदी के पास। हमारा अनुराग से खून का रिश्ता नहीं है, और उस हिसाब से वो मेरा भाई भी नहीं है, हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और जो भी रिश्ते अनजाने में बने थे वो मैं पहले ही तोड़ चुका हूँ, तो उसे मेरा भाई बोलना बंद कर, समझा तू? दिलीप ने एक ही बार में अनुराग के लिए उसके मन में जितनी भी भड़ास थी निकाल दी थी। अभिमन्यु बिना डरे दिलीप को पलट कर जवाब देते हुए कहता है, इतना गर्म क्यों हो रहे हैं आप दिलीप अंकल? भाई ये तो बोला है अनुराग अंकल को आपको, कसाई थोड़ी बोला है। वैसे भी रिश्ते खून से नहीं बनाए जाते, दिल से बनाए जाते हैं, आप नहीं समझेंगे, आपके पास दिल नहीं है ना, वरना किसी को भाई बनाने के लिए खून के रिश्ते की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्ती का रिश्ता भी भाई के रिश्ते जैसा ही होता है, जैसा युग और मेरा है, वो मेरा भाई है और मैं उसका। अभिमन्यु की ये बात बोलते ही युग अभिमन्यु की तरफ देखने लग जाता है, उसे स्नेह भरी नजरों से देखने लग जाता है। दिलीप अभिमन्यु से दूसरी तरफ नजरें फेरते हुए खुद से बड़बड़ाता है, वो मेरा भाई नहीं है। अभिमन्यु वापस से दिलीप के सामने जाते हुए कहता है, नजरें फेरने से सच्चाई नहीं बदलने वाली दिलीप अंकल, अनुराग अंकल आपके भाई थे और हमेशा रहेंगे, आपके पिता ने उन्हें अपना बेटा माना था, अपने बेटे का दर्जा दिया था, फिर अब आप चाहे उन्हें अपना भाई माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर सच ये है कि वो आपके भाई थे और हमेशा रहेंगे, समझे आप? दिलीप गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना उसे मेरा भाई बोलना बंद कर, तू बार बार उसे मेरा भाई क्यों बोले जा रहा है? अगर एक बार भी तूने उसे मेरा भाई बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? अभिमन्यु बात को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था, वरना उसका मन तो कर रहा था कि वो दिलीप को 3-4 बातें और सुनाए, पर अभिमन्यु जानता था अभी कुछ और जानना जरूरी था जो सिर्फ अभी दिलीप ही उसे बता सकता था। इसलिए अभिमन्यु सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहता है, अनुराग अंकल और आप बचपन में साथ में ही रहते थे ना ग्रेवयार्ड कोठी में, तो आपको तो पता ही होगा कि अनुराग अंकल के शरीर पर ये निशान बचपन से थे या नहीं। दिलीप रूखे स्वर में जवाब देता है, तू ये कैसे सवाल पूछ रहा है मुझसे, तुझे क्या लगता है बचपन में मैं अनुराग का शरीर देखता था कि उसके बदन पर कहां कौन सा निशान है? अभिमन्यु पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही चटर्जी अभिमन्यु का साथ देते हुए दिलीप से कहता है, अब बचपन में तू अनुराग का क्या देखता था, कैसे देखता था, ये तुझे खुद अच्छे से पता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू अभिमन्यु के सवाल का सीधा सीधा जवाब दे, वरना मैं सवाल पूछने पर आ गया तो तेरी खैर नहीं। दिलीप चुप खड़ा रहा, चटर्जी ने उसे एहसास दिला दिया था कि वहां पर पुलिस वाले भी मौजूद थे, वरना एक पल के लिए तो वो सब कुछ भूल सा गया था।
अभिमन्यु फिर दिलीप से पूछता है, बताइए क्या ये निशान अनुराग अंकल के शरीर पर बचपन से थे? दिलीप मुंह बनाते हुए जवाब देता है, मुझे याद नहीं अच्छे से कुछ। चटर्जी फिर बीच में दखल देते हुए कहता है, याद नहीं है तो फिर याद करने की कोशिश कर या फिर मैं याद कराऊं। चटर्जी का गुस्से से भरा लाल चेहरा देखकर दिलीप समझ गया था कि चटर्जी बहुत गुस्से में था। वो ऐसे ही चटर्जी के सवालों से बच नहीं सकता था, उसे कुछ न कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। दिलीप कुछ याद करते हुए अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ याद आया, इनमें से एक निशान अनुराग के हाथ पर बचपन से था। वर्चस्वी ने अगले ही पल युग के हाथ की कलाई आगे बढ़ाते हुए कहती है, इनमें से कौन सा निशान था? दिलीप अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहता है, ये वाला निशान। दिलीप ने पानी के बूंद वाले निशान की तरफ इशारा किया था जो कि पहले नंबर पर था। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही निशान था, उसके हाथ पर भी। माँ अक्सर इस निशान पर एक अजीब सा लेप लगाती थी जिसकी बहुत बेकार बदबू आती थी, ताकि ये निशान मिट जाए, पर ये निशान कभी मिटा ही नहीं, उनकी कई कोशिश करने के बाद भी। वर्चस्विनी दिलीप से कन्फर्म होते हुए कहती है, मतलब ये निशान लेखक बाबू के शरीर पर जन्म से था? दिलीप पलटकर जवाब देते हुए कहता है, जन्म से था या नहीं ये तो पता नहीं, पर बचपन में तो था। माँ कहती थी जब मेरे पापा को अनुराग मिला था नदी के पास, तब से ही उसके हाथ पर वो निशान बना हुआ था। युग दिलीप से पूछता है, क्या मेरे पापा के हाथ में सिर्फ एक ही निशान था, बाकी के निशान नहीं थे? दिलीप कुछ याद करते हुए कहता है, जितना मुझे याद है उसके हाथ पर एक ही निशान था, पानी के बूंद वाला, बाकी के नहीं थे। दिलीप ने इतना कहा ही था कि वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, नहीं उसके हाथ पर बाकी के निशान भी थे। दिलीप अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, नहीं नहीं अनुराग के हाथ पर सिर्फ एक ही निशान था, वो भी पानी की बूंद वाला, मैंने देखा था और कोई निशान नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। वर्चस्विनी भी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, नहीं उसके शरीर पर बाकी के निशान भी थे, मैं खुद देख कर आई हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यही निशान उसकी कलाई पर, इन्हीं निशानों से तो काला साया अनुराग के शरीर के अंदर घुस पाया था। दिलीप पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, हो सकता है जिस तरह ये निशान युग के शरीर पर एक एक करके धीरे धीरे आए थे, वैसे ही अनुराग अंकल के शरीर पर भी आए हो। डायना तुरंत अभिमन्यु का साथ देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अभी क्यों नहीं हो सकता, जिस तरह ग्रेवयार्ड कोठी में रहा है वैसे ही तो अनुराग अंकल भी रह रहे थे, वो भी अकेले, हो सकता है उनके साथ भी ग्रेवयार्ड कोठी में बहुत कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा जिसकी वजह से उनके हाथों पर वो निशान आए हो। दिलीप ने जो जो बताया था वर्चस्वी ने उन बातों को अपने दिमाग में फिर से रिपीट करते हुए दिलीप से पूछ बैठती है, तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ अनुराग के हाथ पर एक लेप लगाती थी ताकि उसके हाथ का निशान मिट जाए? दिलीप हामी भरते हुए कहता है, हाँ माँ हर मंगलवार शनिवार अनुराग के हाथ पर एक लेप लगाती थी ताकि वो निशान चले जाए, मिट जाए। माँ हमेशा उन निशान को लेकर कुछ डरी डरी घबराई हुई रहती थी, पर पापा हमेशा माँ से हंसते हुए कहते रहते थे, तू न दयावंती, इस निशान को मिटाना छोड़ दे, ये निशान नहीं मिटने वाला, ये अनुराग की तकदीर है और तकदीर को कोई नहीं बदल सकता, जो होना लिखा रहता है वो होकर ही रहता है, देखना एक दिन अनुराग अपनी ही नहीं बल्कि बाकियों की भी तकदीर अपने हाथों से लिखेगा। वर्चस्वी ने फिर पूछती है, तुम्हारी माँ उस निशान को अनुराग के हाथ से मिटाना क्यों चाहती थी, आखिर ऐसा क्या था उस निशान में, क्या तुम उन निशानों के बारे में कुछ जानते हो? दिलीप ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं मैं उन निशानों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मुझ पर यकीन करो, अगर मुझे उन निशानों के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं बता देता। ये बात दिलीप ने वर्चस्विनी की आंखों में देखकर कही थी और वर्चस्विनी उसकी आंखों को देखकर समझ गई थी कि दिलीप एकदम सच बोल रहा था। वर्चस्विनी को दिलीप की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। चटर्जी ने अभी भी अपने हाथ में युग का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी कलाई पर बने चार निशानों को एकटक नजर से देखते जा रहा था। युग चटर्जी की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने लग जाता है, पर चटर्जी युग का हाथ छोड़ता नहीं है, पकड़े रहता है। युग चटर्जी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़ो चटर्जी। चटर्जी को जवाब नहीं देता है, बस युग का हाथ पकड़े रहता है और एकटक नजर से उसके हाथ पर बने चारों निशानों को गौर से देखते रहता है। जब युग के कहने पर भी चटर्जी हाथ नहीं छोड़ता है तो वर्चस्विनी चटर्जी से बोल पड़ती है, क्या कर रहे हो तुम चटर्जी, युग का हाथ छोड़ो। चटर्जी युग के हाथ पर बने निशानों को देखते हुए ही जवाब देता है, मैं इन निशानों के बारे में जानता हूँ। जैसे ही चटर्जी ये बात बोलता है सबके होश उड़ जाते हैं, सबकी नजरें उस पर आकर टिक जाती हैं। युग हड़बड़ाहट के साथ चटर्जी से पूछ बैठता है, तुम्हें पता है? क्या पता है तुम्हें चटर्जी मेरे निशान के बारे में, बताओ मुझे। चटर्जी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये निशान युग, ये जो तेरी कलाई पर बने हुए हैं, ये कोई ऐसे वैसे निशान नहीं है बल्कि ये शक्तियाँ हैं। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, शक्तियाँ हैं, कैसी शक्तियाँ? चटर्जी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है और ईश्वर ने ही शक्तियों का निर्माण भी किया है।
स्थिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व रचित अधम शरीरा। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये क्या बोल दिया तूने? अब से गगन समीरा अधम शरीरा क्या है? चटर्जी कहता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से हमारी काया बनी हुई है। इन पांचों से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है। कहते हैं हमारा शरीर इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है और अंत में हमें इसी में विलीन हो जाना है। इन पांच तत्वों को ही पंच तत्व कहा गया है। हमारे ऋषि मनीषियों और ग्रंथों में पंच तत्व के बारे में बताया गया है। हमारा शरीर रस रक्त मांस भेद अस्थि मज्जा एवं शुक्र इन सात धातुओं से मिलकर बना है, जिसे हम भौतिक अथवा स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन्हें सूक्ष्म भूत या तत्व कहा जाता है। प्रकृति में उपस्थित इन्हीं तत्वों से शरीर बनता है। कम मात्रा में इनकी उपस्थिति होने के बावजूद भी ये बेहद शक्तिशाली होते हैं। इन पंचभूतों का प्रकृति के साथ सही बैलेंस बैठाया जाए तो इंसान अपने अंदर बड़ी आंतरिक शक्ति पैदा कर सकता है। युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, शक्ति पैदा कर सकता है? कैसी शक्ति? चटर्जी जवाब देता है, वही शक्ति युग जो इस वक्त तेरे पास है। तेरे पास पंच तत्वों की शक्ति ही है, तेरे हाथ पर उन्हीं के निशान है। युग चटर्जी की बात को नकारते हुए कहता है, पर मेरे हाथ पर आकाश और पृथ्वी के निशान कहाँ बने हुए हैं जो मुझे पंच तत्वों की शक्ति मिले? चटर्जी जवाब देता है, तुझे पांच पंच तत्वों में से तीन तत्वों की शक्ति मिली है, जानता है बाकी के दो की क्यों नहीं मिली? युग चटर्जी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, क्यों? चटर्जी कहता है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी की शक्ति तेरे पास पहले से मौजूद है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या? चटर्जी युग को अपनी बात समझाते हुए कहता है, हाँ युग, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आकाश को सभी तत्वों को जन्म देने वाला और अंत में सभी को अपने में समा देने वाला कहा गया है। आकाश का आशय शून्य होता है, अर्थात एक खालीपन जहाँ किसी की उपस्थिति नहीं है। आकाश एक अणुविहीन तत्व है। हमारे जीवन में शक्ति का संचार श्रेय आकाश को ही जाता है। आकाश से ही हमारे शरीर में शब्दों व वाणी का निर्माण होता है। इसका वर्ण काला रंग है। शरीर की स्थिति में इसे मस्तक नाम दिया गया है। हमारी वासना व संवेग का आधार आकाश तत्व ही है। इसकी मदद से ही वे मनचाहे स्थान पर क्षण भर में आ जा सकते थे, उड़ सकते थे, क्षमता से अधिक भारी चीज उठा लेते थे, किसी की देह में प्रविष्ट कर सकते थे। इसलिए कहा जाता है जो मानव आकाश तत्व की प्रधानता को बढ़ा लेता है वो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अजेय हो जाता है। और तू अजेय है युग, जिसे कोई नहीं जीत सकता, और ये शक्ति तेरे पास बचपन से ही मौजूद है। बस तुझे कभी एहसास नहीं हुआ, जिस दिन होगा तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। युग तू सब कुछ बदल कर रख देगा। सिर्फ युग ही नहीं बल्कि बाकी सब भी चटर्जी की बातें गौर से सुन रहे थे। चटर्जी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, रही बात पृथ्वी की, तो उसकी शक्तियों के बारे में कौन नहीं जानता? आखिर उसी में तो हम रहते हैं। पृथ्वी का तात्पर्य हमारे शरीर की त्वचा व कोशिकाओं से है, जिससे हमारे शरीर का बाहरी निर्माण होता है। यह हमारे शरीर का भार भी दर्शाता है। इसका वर्ण पीला होता है। हमारे शरीर की गंध पृथ्वी तत्व से निर्धारित होती है व ये हमारे अंदर अहंकार का भी परिचारक है। शरीर में इसकी स्थिति जांघों से की जाती है। हमारे शरीर के हाड़ मांस मांसपेशियां कोशिकाएं त्वचा इत्यादि पृथ्वी तत्व के अंदर ही आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय गुण भी पृथ्वी तत्व की विशेषता है, जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती हैं और हमें अपना भार महसूस करवाती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर की दिखने और महसूस होने वाली ज्यादातर चीजों का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही हुआ है। तो उन चीजों को भी महसूस कर सकता है जिसे कोई नहीं कर सकता है। जैसे ही चटर्जी ये बात बोलता है, युग चटर्जी की बात से कनेक्ट होने लग जाता है। उसे पता चलने लग गया था कि क्यों वो उस काले साए की गंध को सूंघ लेता था, उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेता था। ये उसके अंदर की शक्तियों के कारण ही होता था। चटर्जी आगे कहता है, अब मैं बात करूं तेरे हाथ के निशान की, तो ये जो तेरे हाथ पर पानी की बूंद वाला निशान है, ये। चटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ उसे बीच में टोकते हुए कहता है, दो मिनट चटर्जी। चटर्जी कछुए को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, क्या हुआ कछुए, तूने मुझे बीच में क्यों रोक दिया? मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? कछुआ कहता है, नहीं चटर्जी, तूने तो एकदम सब कुछ सही बताया है, वो भी जो मुझे पता ही नहीं था। मैं वही जानना चाहता हूँ कि तुझे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, किसने बताया इतना सब कुछ इतनी डिटेल में? कछुए का सवाल सुनकर वर्चस्विनी मन में कछुए की तारीफ करते हुए सोचने लग जाती है, वाह कछु, क्या सवाल पूछा है, अच्छा घेरा है चटर्जी को। ये चटर्जी खुद फंस गया, अब इसे खुद अपने बारे में बताना होगा, अपनी सारी सच्चाई जो इसने सबसे छुपा कर रखी है। वर्चस्विनी भी चटर्जी पर दबाव बनाते हुए कहती है, हाँ चटर्जी, चुप क्यों खड़े हो, बताओ तुम्हें इन सब के बारे में इतना कैसे पता है, किसने बताया है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी
यक्षिणी तेरा ख्वाब है। वर्चस्विनी भी चटर्जी पर दबाव बनाते हुए कहती है, हाँ चटर्जी, चुप क्यों खड़े हो? बताओ तुम्हें इन सब के बारे में इतना कैसे पता है? किसने बताया है? चटर्जी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लग गई थी। वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। वो अपने आजू बाजू देखने लग जाता है और उसके बाजू में खड़े कायर पर नजरें टिका कर खड़े हो जाता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तुम कायर की तरफ क्यों देख रहे हो? क्या कायर ने तुम्हें इन सब के बारे में बताया है? वर्चस्विनी मन में सोचने लग जाती है, कहीं वो दूसरा शख्स जिसके बारे में वो काला साया बात कर रहा था, जो चटर्जी के साथ मिला हुआ है, वो कायर तो? वर्चस्विनी इसके आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं नहीं कछुआ, कायर ने मुझे इन सब के बारे में नहीं बताया है। वो मुझे इन सब के बारे में कैसे बता सकता है? उसे तो खुद कुछ पता नहीं है। वर्चस्विनी अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबाते हुए कहती है, अगर कायर ने नहीं बताया है तो फिर किसने बताया है? चटर्जी वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, आपको नहीं पता मैम मुझे इन सब चीजों के बारे में किसने बताया है? वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं पता चटर्जी, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ ना कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में किसने बताया है। अब तुम बताओगे या नहीं? चटर्जी गहरी सांस लेता है और उसे छोड़ते हुए कहता है, मेरे पापा ने वर्चस्विनी मैम, मैंने आपको बताया था ना, बचपन में पापा मुझे पुराण ग्रंथ गीता सबका पाठ पढ़ाते थे और वो मुझे आज भी याद है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। उन्हीं ग्रंथों में पंचतत्व के बारे में लिखा गया है। वर्चस्विनी चटर्जी को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या क्या बताया है, क्या क्या सिखाया है मुझे अच्छे से पता है चटर्जी, और जल्दी तुम बाकी के लोगों को भी सब कुछ सारी सच्चाई खुद अपने मुंह से बताओगे, देख लेना तुम। चटर्जी, कछुआ और वर्चस्विनी तीनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले युग अपने हाथ पर बने निशानों की तरफ इशारा करते हुए चटर्जी से कहता है, तुम मेरे निशानों के बारे में बता रहे थे चटर्जी, ये बूंद वाले निशान के बारे में तुम क्या जानते हो? बताओ चटर्जी, मैं जानना चाहता हूँ। चटर्जी ने जहाँ पर अपनी बात पहले खत्म करी थी वो वहीं से उस बात को फिर से शुरू करते हुए कहता है, मैं बता रहा था कि ये जो तेरे हाथ पर पानी की बूंद वाला निशान है, ये बूंद जीवन है। कायर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए ठहाका मारते हुए कहता है, इसमें क्या नई बात हो गई, वो तो हम सबको पता है जल ही जीवन है। चटर्जी कायर को घूरते हुए कहता है, लेकिन कायर क्या तुझे ये पता है ये जीवन क्या है? जैसे ही चटर्जी कायर से ये सवाल पूछता है वो एकदम चुप हो जाता है। चटर्जी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जीवन एक प्यास है जो कभी खत्म नहीं होती है मौत के अंतिम समय तक। जिस तरह हर किसी के जीवन के अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह जल के भी कई रूप हैं। और युग, ये जो तेरे हाथ पर बूंद का निशान बना है, इस बूंद के भी कई रूप हैं। युग चटर्जी को घूरते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो चटर्जी? चटर्जी युग को समझाते हुए कहता है, युग मैं ये कहना चाहता हूँ जल के कई रूप होते हैं, होंगे भी क्यों नहीं, आखिर हमारा शरीर 70% जल से जो बना है। जल एक लिक्विड फॉर्म है, इसका वर्ण सफेद है। हमारे शरीर में किसी भी चीज का स्वाद जानने की शक्ति जल तत्व से आती है। हमारी बॉडी में मौजूद सभी लिक्विड फॉर्म, फिर चाहे वो पानी हो, खून हो, रस हो, एंजाइम हो या अन्य कोई तरल पदार्थ, सभी जल तत्व के अंदर ही आते हैं। कहने को तो तेरे हाथ पर सिर्फ एक बूंद का निशान है, पर वो बूंद लिक्विड के किस रूप में है ये नहीं कह सकते हैं, पर उसी से तेरे जीवन का लेना देना है। युग चटर्जी को टोकते हुए कहता है, लेना देना है, कैसा लेना देना? चटर्जी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना जल ही जीवन है, और ये बूंद भी तेरे लिए एक जीवन है, एक प्यास है जो तब मिटती है जब तुझे वो बूंद मिलती है। कछुआ चटर्जी को बीच में टोकते हुए कहता है, बूंद, कैसी बूंद? चटर्जी अपनी पिछली बातों पर जोर देते हुए कहता है, अभी तो कहा मैंने जल के कई रूप हैं, उसी तरह उस बूंद के भी कई रूप हैं। वो बूंद किसी विशेष रस जड़ी बूटी की भी हो सकती है या फिर। इतना कहकर चटर्जी खुद चुप हो जाता है। युग चटर्जी पर दबाव बनाते हुए कहता है, या फिर क्या, और किस चीज की हो सकती है वो जल की बूंद? चटर्जी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देता है, खून की। युग, खून भी तो जल का ही एक रूप है, वो लिक्विड है। जैसे ही चटर्जी ये बात बोलता है वहां पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, सब चटर्जी की तरफ देखने लग जाते हैं। चटर्जी आगे कहता है, जिसके हाथ पर ये निशान बना होता है उसे जल की शक्ति तो मिलती है, पर वो बूंद भी उसके लिए जरूरी होती है, उसी से उसे शक्ति मिलती है। चटर्जी कुछ और सोचते हुए कहता है, तेरी कलाई पर यह निशान कब आया था? युग अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, मेरी कलाई पर यह निशान कब आया था? हाँ याद आया, उस रात जब मैं यामिनी के साथ घाट पर संभ। युग इतना कहकर खुद ब खुद चुप हो जाता है। युग खुद से बड़बड़ाता है। युग बात को बदलते हुए कुछ महसूस करते हुए कहता है, चटर्जी सही कह रहा है, उस रात मेरी एक प्यास बुझी थी और जीवन के रूप में यामिनी मिली थी, उसी ने तो मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी थी।
वरना शालिनी के धोखे ने तो मुझे जिंदा ही मार दिया था। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ चटर्जी से पूछती है, और युग के हाथ पर ये जो दूसरा निशान है आग वाला, उसका क्या मतलब है? चटर्जी वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आग का संबंध हमारे शरीर की ऊर्जा से है, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। शरीर में इसकी स्थिति कंठों पर है, वह इसका वर्ण लाल रंग होता है। देखने की शक्ति का विकास आग तत्व से ही होता है, इसी से हमें शक्ति बल तथा ऊर्जा मिलती है। आग से ही हम ईश्वर को याद करने के उद्देश्य से उनका आह्वान करते हैं, तभी तो यज्ञ किए जाते हैं। इसी निशान से युग को आग की शक्ति मिली है। वो आग एक जुनून है, वो जुनून बढ़ते जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, कुछ पाने का जुनून। पर कभी कभी वो जुनून एक गुस्से का रूप भी ले लेता है। गुस्सा बढ़ने के साथ ही उसके अंदर की आग की शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे ही चटर्जी ये बात बोलता है, युग को याद आता है कि उस रात जब डायना ने उसे काले साए के खिलाफ भड़काया था, तब उसी गुस्से में उसने हवेली के लोहे के गेट को पिघला दिया था। तभी उसके अंदर की आग की शक्ति जागृत हुई थी, उसे अपने अंदर की शक्तियों का एहसास हुआ था। अचानक से माहौल में खामोशी छा गई थी। कछुआ उस खामोशी को तोड़ते हुए युग की कलाई की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए चटर्जी से पूछता है, और ये युग की कलाई पर जो बवंडर की तरह निशान दिख रहा है, उसका क्या मतलब है? चटर्जी कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये हवा है जिसे हम वायु। कायर तुरंत चटर्जी को बीच में टोकते हुए कहता है, चटर्जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये बवंडर है। हम तुमसे बवंडर के निशान के बारे में पूछ रहे हैं, और तुम ओके हमें हवा के बारे में बता रहे हो। चटर्जी कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ कायर से कहता है, अबे अनपढ़, बवंडर हवा से ही बनता है। जिस तरह जल के कई रूप होते हैं, उसी तरह हवा के भी कई रूप होते हैं। तुझे इतना भी नहीं पता क्या? कायर अपना सिर खुजाते हुए हामी भरते रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। चटर्जी सबको बवंडर वाले निशान के बारे में बताते हुए कहता है, वायु तत्व से जीवन में शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। शरीर में इसकी स्थिति नाभि से होती है, वह इसका वर्ण नीला या भूरा होता है। वायु हमारे शरीर में गतिशीलता की परिचायक होती है, जिससे हमारे शरीर में वेग या गति का निर्माण होता है। वायु की प्रकृति अनिश्चित होती है। हमारे शरीर में स्पर्श करने की शक्ति व उसकी अनुभूति वायु तत्व से ही होती है। युग के हाथ पर इस निशान के होने का मतलब है उसके पास हवा की शक्ति है, जो बवंडर के रूप में है। इतना कहकर चटर्जी चुप हो जाता है। युग अपने हाथ पर बने चौथे निशान की तरफ इशारा करते हुए चटर्जी से कहता है, और ये जो चौथा निशान है, उसका क्या मतलब हुआ? युग के कहने पर चटर्जी अपनी नजरें युग के हाथ पर बने चौथे निशान पर टिका देता है। चटर्जी फुर्ती के साथ युग के हाथ को अपनी तरफ खींचता है, और उसके हाथ पर बने इन्फिनिटी वाले निशान पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, ये क्या? ये निशान तेरे हाथ पर कैसे बना हो सकता है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये निशान तेरे हाथ पर कैसे आ गया? वर्चस्विनी चटर्जी को टोकते हुए कहती है, क्या हुआ चटर्जी? ऐसा क्या है इस इन्फिनिटी वाले निशान में जिसे देखकर तुम इतना घबरा रहे हो? चटर्जी बौखलाहट के साथ जवाब देता है, घबराने वाली बात ही है वर्चस्विनी मैम, ये निशान युग के हाथों पर नहीं होना चाहिए था। वर्चस्विनी चटर्जी पर चिढ़ते हुए कहती है, बस बहुत हुआ चटर्जी, तुम बताओगे भी आखिर मतलब क्या है इस इन्फिनिटी वाले निशान का जिसे देखकर तुम इतना घबरा गए हो? चटर्जी उस निशान को देखते हुए कहता है, ये इन्फिनिटी वाला निशान जिसे आप देख रही हैं, इस निशान को दूसरी दुनिया में जीवन मरण चक्र कहते हैं। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? जीवन मरण चक्र? चटर्जी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ वर्चस्विनी मैम, जीवन मरण चक्र। ये जो इन्फिनिटी का पहला गोला है, ये जीवन है, और उसके बगल वाला गोला मरण है। ये दोनों मिलकर एक चक्र बनाते हैं, जिसे जीवन मरण चक्र कहते हैं। इस चक्र से मौत को मात दी जा सकती है। कछुआ अपनी दोनों भवे ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मौत को मात दे सकते हैं, पर कैसे? चटर्जी जवाब देता है, मौत को मात कैसे दे सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, ये निशान उनके हाथों पर बनाया जाता है जो मर चुके होते हैं। वर्चस्विनी हैरानी के साथ युग को देखते हुए कहती है, पर युग तो जिंदा है। चटर्जी बौखलाहट के साथ कहता है, वही तो मैम, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। युग तो जिंदा है, फिर उसके हाथ पर ये जीवन मरण चक्र का निशान कैसे बना हो सकता है? डायना अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है युग मरा ना हो पर मरने वाला हो, जिस कारण उसके हाथ पर ये निशान पहले ही आ गया हो। उसे उसकी शक्तियों का एहसास भी तो लेट ही हुआ था ना, निशान आने के कई दिनों बाद। जब डायना ये बात बोलती है, तो वहां पर मौजूद यामिनी डायना को गुस्से से घूरने लग जाती है। अपने गुस्से पर काबू करने के लिए यामिनी गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। यामिनी के पास ही उसकी गोद में तारा बैठी हुई थी। वर्चस्विनी फिर युग के हाथ को देखते हुए कहती है, ये क्या? तुम्हारे हाथ पर तो चार ही निशान है, वो पांचवा निशान कहाँ पर है? युग झट से पूछता है, वर्चस्विनी जी, आप किस पांचवे निशान की बात कर रही हैं? मेरे हाथ पर तो चार ही निशान थे। वर्चस्विनी परेशान होते हुए कहती है, पर तुम्हारे पापा के हाथ पर तो पांच निशान थे, मैंने खुद देखा था, वो काला साया उन्हीं पांचों निशान के जरिए ही तो उनके शरीर में घुसा था। युग वर्चस्विनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, कौन सा पांचवा निशान देखा था आपने मेरे पापा के हाथ पर, आप बताएंगी?
युग के इतना कहते ही वर्चस्विनी अगले ही पल यामिनी के पास बैठी तारा का हाथ पकड़ती है और उसकी हथेली के पीछे जो स्टार बना हुआ था उसके अंदर आधी आंख बनी हुई थी जिसे उसने तारा के हाथ पर सुइयां चुभोकर ग्रेवयार्ड कोठी में बनाया था। वर्चस्विनी उस निशान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये वाला निशान, ये आधी आंख देख रहे हो तुम सब, ये आंख लेखक बाबू के हाथ में पूरी बनी हुई थी। मेरा मतलब उनके हाथ पर यह निशान पूरा बना हुआ था जो तारा के हाथ पर अधूरा है। चटर्जी उस आधी आंख को देखते ही खुद पर खुद बोल पड़ता है, ये निशान तो देखने से भक्षानर की आंख की तरह लग रही है, वही आंख जो इस दुनिया और काली दुनिया को जोड़े रखती है। ये आंख एक रास्ता है उस दुनिया में जाने का। वर्चस्विनी चटर्जी को घूरते हुए कहती है, इसमें लगने वाली क्या बात है चटर्जी, ये भक्षानर की आंख ही है, पर तुम कैसे जानते हो इस निशान के बारे में। चटर्जी हिचकिचाते हुए कहता है, अभी तो बताया था वर्चस्विनी मैम मैंने आपको, मुझे इन निशानों के बारे में मेरे पापा ने बताया था, आप भूल गई। वर्चस्विनी चटर्जी की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं चटर्जी मैं कुछ नहीं भूलती, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें सच में बहुत कुछ बताया है हर चीज के बारे में। तुम तो ये बताओ और क्या क्या बताया तुम्हारे पापा ने तुम्हें। चटर्जी कहता है, पापा ने बहुत सी बातें बताई हैं मुझे, ये भी बताया था कि ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को बनाया था, वो तो इंसान फिर खुद अपने कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे इंसान में बदल गए। उसी तरह ईश्वर ने सिर्फ शक्ति बनाई थी, उस शक्ति को अच्छी और बुरी शक्ति का रूप इंसान ने दिया है। कुछ शक्तियों का निर्माण ईश्वर ने नहीं इंसान ने किया है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, उन चीजों को पाने के लिए जिसे वो पाना तो चाहता था पर मेहनत करके नहीं छल कपट धोखा करके, उसी से काले जादू ने जन्म लिया था। युग के हाथ पर तीन निशान भले ही पंच तत्व के हैं पर बाकी का एक उस काली दुनिया का है जो नहीं होना चाहिए था। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, युग के हाथ पर अभी चार निशान है और वर्चस्विनी जी कह रही है कि उन्होंने अनुराग अंकल के हाथ पर पांच निशान देखे थे, इसका मतलब है कि युग के हाथ पर अभी एक और निशान आएगा और वो है भक्षानर की आंख। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, युग के हाथ पर अभी चार निशान हैं और वर्चस्विनी जी कह रही हैं कि उन्होंने अनुराग अंकल के हाथ पर पांच निशान देखे थे, इसका मतलब है कि युग के हाथ पर अभी एक और निशान आएगा और वो है भक्षानर की आंख। अभिमन्यु की ये बात कहते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु घबराते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, वक्त कम है बहुत कम। कछुआ अभिमन्यु से धीरे से पूछता है, ये तो क्या बोल रहा है अभिमन्यु, किस चीज के लिए वक्त बहुत कम है। अभिमन्यु कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है कछुआ, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वो पांचवा निशान युग के हाथ पर कभी नहीं आना चाहिए वरना। कायर कुछ डरते हुए कहता है, वरना क्या अभिमन्यु, अगर वो पांचवा निशान युग के हाथ पर आ गया तब क्या होगा। अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है, खामोश खड़ा रहता है। कायर फिर पूछ बैठता है, तू चुप क्यों हो गया, बोलना अगर वो पांचवा निशान। कायर अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि उससे पहले ही डायना उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अगर वो पांचवा निशान युग के हाथ पर आ गया तो उसका भी वही हाल होगा जो अनुराग अंकल का हुआ था, वो भी उन्हीं की तरह मर जाएगा। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है पर यामिनी गुस्से से लाल हो जाती है। यामिनी इस बार अपना आपा खो बैठती है और डायना पर भड़कते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो डायना, बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ तो लिया करो, तुम मेरे युग बाबू के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। डायना जानती थी यामिनी का गुस्सा होना लाजमी था, डायना इतना तो समझ गई थी कि यामिनी उसकी दुश्मन कतई नहीं है, दुश्मन तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है, इसलिए वो नर्म लहजे के साथ ही यामिनी से कहती है, मैं तो वही बोल रही हूँ यामिनी जो सच है, सच को कोई झुठला नहीं सकता फिर चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तुम कामेश्वरी यक्षिणी भले ना हो पर कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी तो हो ना, और उसके मुताबिक तुम भी एक यक्षिणी हो। फिर तुम तो भक्षानर की आंख के निशान के बारे में जानती ही होगी कि वो सिर्फ आंख नहीं है बल्कि एक द्वार है दूसरी दुनिया में जाने का, भक्षानर की काली दुनिया में जाने का। अगर वो निशान युग के हाथ पर आ गया तो युग एक द्वार बन जाएगा, एक जरिया बन जाएगा इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का, और जानती हो ना द्वार कभी जीवित नहीं होते हैं, हमेशा मरे होते हैं। यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो जानती थी कि डायना जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, युग खोया ही रहता है, आखिर अपनी मौत की खबर सुनकर कौन इंसान होश में रह सकता है। कछुआ डायना और उसकी बातों को नोटिस करते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है कि डायना को इतना सब कैसे पता है इस भक्षानर की आंख के बारे में, इतना तो इस चटर्जी को उसके बाप ने नहीं बताया था जितना डायना ने दो मिनट में बता दिया, और इसके ये बाल इतने सफेद क्यों हो रहे हैं दिन ब दिन। अमोदिता घबराते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, युग जी को कुछ नहीं हो सकता। यामिनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है,
युग बाबू को कुछ नहीं होगा मुदिता, तुम इतना घबराओ मत। मैं अपने युग बाबू को कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। यामिनी के इतना कहते ही अगले ही पल अमोदिता यामिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाती है और दूसरी तरफ नजर कर लेती है। कायर परेशान होते हुए कहता है, एक तरफ वो काला साया अनुराग अंकल के शरीर में घुसकर तारा के पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से दूसरी तरफ योग के ये हाथों के निशान। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, हम क्या करें? अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, पर अब मेरी सब समझ आ रहा है। कायर तुरंत हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से पूछता है, क्या समझ आ रहा है तेरे? अभिमन्यु जवाब देता है, यही कि उस काले साए को क्यों अनुराग अंकल का ही शरीर चाहिए था। कायर अगले ही पल बिना सांस लिए अभिमन्यु से बोल पड़ता है, क्यों अभिमन्यु, जल्दी बता, उस काले साए को अनुराग अंकल का ही शरीर क्यों चाहिए था? अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए जवाब देता है, इन निशानों की वजह से। कायर, अभी वर्चस्विनी जी ने कहा था ना कि उन्होंने खुद देखा था उस काले साए को इन निशानों के जरिए अनुराग अंकल के शरीर में घुसते हुए। हो ना हो, मुझे लगता है इन निशानों की वजह से ही उस काले साए को अनुराग अंकल का शरीर चाहिए था। वो जानता था अनुराग अंकल के हाथ पर वो निशान बने हुए हैं, इसलिए उस काले साए ने युग के सामने वो शर्त रखी थी और अनुराग अंकल का शरीर लाने के लिए पंचम गांव भेजा था, क्योंकि पंचतत्व की शक्ति उसी के पास होती है जिसके पास इंसानी शरीर होता है, और इंसानी शरीर पंचतत्व से ही बना है। जब ब्लड मून की रात काले साए ने अनुराग अंकल के शरीर में प्रवेश किया तो उसे पंचतत्व के तीन तत्व की शक्ति तो मिल ही गई, साथ में कई सारी काली शक्तियां भी मिली और वो और ताकतवर हो गया। तभी तो वो ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करने आ गया था तारा को लेने के लिए। कछुआ भी अपना दिमाग लगाते हुए अभिमन्यु की बात से कुछ असहमत होते हुए कहता है, पर ये निशान तो युग के हाथ पर भी बने हुए ना, वो काला साया चाहता तो युग के शरीर में भी प्रवेश कर सकता था ना। मेरे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उस काले साए को अनुराग अंकल का शरीर ही क्यों चाहिए था, वो युग का शरीर भी ले सकता था, उसमें प्रवेश कर सकता था। अभिमन्यु तुरंत बिना रुके जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि तू खुद देख सकता है युग के हाथ पर पांचों निशान नहीं बने हुए हैं, उसके हाथ पर बस चार निशान ही बने हुए हैं, वो भक्षानर की आंख वाला निशान नहीं बना है, इसी वजह से उसने युग की बॉडी नहीं ली। शायद वो जानता था पांचवा निशान आने में देर लगे, वो और इंतजार करता उससे पहले ही उसके पास यामिनी आ गई। उसने यामिनी को कैद कर लिया और उसी का फायदा उठाकर उसने युग से अनुराग अंकल का शरीर मंगवाया जो पंचम गांव में था। अब कछुए को भी अभिमन्यु की बातें बिल्कुल ठीक लगने लग जाती है, वो उसकी बातों से सहमत होने लग जाता है, इसलिए पलट कर फिर कोई सवाल नहीं पूछता है। चटर्जी भी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब युग के हाथ पर ये निशान खुद ब खुद नहीं आए हैं बल्कि दिए गए हैं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, दिए गए मतलब तुम कहना क्या चाहते हो चटर्जी? चटर्जी युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये युग के निशान दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हमें जन्म से मिलते हैं। इतना कहकर चटर्जी तारा का हाथ युग को दिखाते हुए कहता है, जैसे ये तारा के हाथ का निशान, ये निशान इसके हाथ पर बचपन से है, जब से तब से इसका जन्म हुआ था। वर्चस्विनी चटर्जी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ ये निशान शायद तारा के हाथ पर जन्म से ही है, जब वो मुझे कार की डिग्गी में मिली थी तब उसके हाथ पर ये निशान बना ही हुआ था। युग चटर्जी से पूछता है, और दूसरे किस प्रकार के निशान होते हैं? चटर्जी जवाब देता है, और दूसरे वो निशान होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए दिए जाते हैं पारलौकिक शक्तियों द्वारा। युग फिर पूछता है, पारलौकिक शक्ति के द्वारा? कैसी पारलौकिक शक्ति? चटर्जी एक लंबी आह भरने के बाद जवाब देता है, भूत प्रेत पिशाच डायन और खासकर वो काले साए, ये सब पारलौकिक शक्ति ही है। उस काले साए ने ही तो तुझे ये निशान दिए हैं, वो भी एक एक करके। कायर चटर्जी से पूछता है, उस काले साए ने एक एक करके क्यों युग के हाथ पर निशान दिए? वो चाहता तो एक साथ ही पांचों निशान दे देता, ऐसा करने से उसे अनुराग अंकल के शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ती। चटर्जी कायर की बात का जवाब देते हुए कहता है, अगर वो काला साया एक साथ युग के हाथ पर पांचों निशान अपनी काली शक्तियों से बना देता तो युग का शरीर उन शक्तियों का भार ही नहीं सह पाता, वो उसी वक्त अपना दम तोड़ देता। जब एक निशान भी शरीर पर बनता है तो शरीर में बदलाव आने लग जाता है, बहुत दर्द होता है, ऐसा दर्द जिसकी दवा सिर्फ मौत हो। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर उस काले साए ने मेरा शरीर ही क्यों चुना? वो तुम सब में से भी तो किसी का शरीर चुन सकता था ना, उसके हाथ पर भी निशान बना सकता था, मेरा शरीर ही क्यों? चटर्जी परेशानी में फंसे हुए ही जवाब देता है, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ उस काले साए को पता है कि उसने तेरा ही शरीर क्यों चुना युग, हमारा क्यों नहीं? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए युग से कहता है, युग उस काले साए ने सिर्फ तेरा नहीं बल्कि कोई और भी है जिसका उसने शरीर चुना है, उसके हाथों पर भी निशान बनाए हैं। युग बौखलाहट के साथ अभिमन्यु से पूछता है, और किसका चुना है अभिमन्यु? उस काले साए ने और किसके हाथों पर निशान बनाए हैं? अभिमन्यु जवाब देता है, तेरे पापा का युग और कौन? अभी तो दिलीप अंकल ने बताया था कि बचपन में तेरे दादाजी जब अनुराग अंकल को लेकर आए थे उनके हाथ पर बस एक निशान बना हुआ था, बाकी के चार निशान नहीं थे। इसका मतलब बाकी के निशान उनके शरीर पर धीरे धीरे आए, जिस तरह तेरे शरीर पर एक एक करके आए हैं उसी तरह तेरे पापा के शरीर पर भी आए होंगे। कछुआ कहता है,
मतलब उस काले साए ने एक ही परिवार के दो लोगों को चुना, बाप और बेटे को, अनुराग अंकल और युग को। युग परेशान होते हुए कहता है, पर मैं और मेरे पापा ही क्यों? अभिमन्यु जवाब देता है, पता नहीं युग, इस सवाल का जवाब तो बस उस काले साए को ही पता है। युग गुस्से के साथ कहता है, पर वो काला साया है कौन? अभिमन्यु भी गुस्से के साथ कहता है, अब वही तो पता करना है युग कि वो काला साया है कौन, और उस काले साए ने तेरे और तेरे पापा के शरीर पर ही अपनी काली शक्तियों से निशान क्यों बनाए, किसी और के शरीर पर क्यों नहीं? एक कहानी है जो अभी तक बची हुई है, हमें उस कहानी के बारे में पता करना होगा। युग अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, कैसी कहानी अभिमन्यु? अभिमन्यु युग की आंखों में देखते हुए कहता है, तेरे पापा और काले साए की कहानी, और उस कहानी में यक्षिणी भी है। आखिर तेरे पापा यक्षिणी की ये कहानी तो लिख रहे थे ना, वही कहानी तो लिखते लिखते उनकी मौत हो गई थी। अगर हमें उस काले साए का अंत करना है तो इस कहानी का पता लगाना ही होगा युग, जो कहानी अब तक छूटी हुई है। हमें पता लगाना होगा कि उस काले साए ने तेरे पापा का शरीर ही क्यों चुना, उनके शरीर पर ही निशान क्यों बनाए। तेरे पापा के बारे में जानकर ही उस काले साए के अंत तक पहुंच सकते हैं। चटर्जी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें अनुराग अंकल की कहानी के बारे में पता लगाना ही होगा। किसी का अंत तभी किया जा सकता है जब उसके बारे में सब कुछ पता हो, तभी उसकी कमजोरी पता चल पाती है, और हमें इस वक्त उस काले साए के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कौन है और कहां से आया है। लेकिन अनुराग अंकल की कहानी के बारे में पता लगाकर उस काले साए की कहानी तक पहुंचा जा सकता है, कहीं ना कहीं उन दोनों की कहानी मिली हुई है। हमें जानना होगा कि आखिर उनके शरीर पर वो निशान कैसे आया, हमें अनुराग के बारे में पता करना होगा। युग परेशान होते हुए कहता है, पर मेरे पापा के बारे में पता कैसे करें, मुझे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता है, जितना पता था उतना तुम सब पहले ही जानते हो। अभिमन्यु कहता है, युग तू तेरे पापा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता तो क्या हुआ, इस कमरे में कोई है जो बहुत कुछ जानता है तेरे पापा के बारे में। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी नजरें वापस से दिलीप पर टिका देता है। अभिमन्यु के कुछ कहने से पहले दिलीप खुद ब खुद बड़बड़ा पड़ता है, मैं कुछ नहीं जानता उस अनुराग के बारे में, जितना जानता था वो ये बल्लू पहले ही बता चुका है। युग बीच में बोल पड़ता है, आप झूठ बोल रहे हैं और बचपन से मुझसे झूठ ही बोलते आ रहे हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं मेरे पापा के बारे में, बस मुझे बता नहीं रहे। दिलीप गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा ना मैं तेरे बाप के बारे में कुछ नहीं जानता, तेरे एक बार में समझ में नहीं आती क्या? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए दिलीप पर दबाव बनाते हुए कहता है, नहीं आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, बताइए उनके हाथों पर बाकी के चार निशान कैसे आए थे, उनके साथ क्या हुआ था। दिलीप भी गुस्से भरे लहजे में बोल पड़ता है, मैं तेरे बाप के बारे में कुछ नहीं जानता कि उसके हाथ पर वो निशान कैसे आए थे, बचपन में उसके हाथ पर सिर्फ एक ही निशान था, बाकी के निशान तो उसे जवानी में आए होंगे तेरी तरह, और जब उसकी जवानी शुरू होने वाली थी उससे पहले ही मैंने उसे इस गांव से निकाल दिया था, वो चला गया था यहां से, उसे मैंने। दिलीप अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि वो एकदम से चुप हो जाता है, जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो, वो कुछ सोचने लग जाता है। दिलीप कुछ सोचते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ता है, हाँ उसे जरूर पता होगा तेरे बाप के बारे में, वो तो तेरे बाप के बारे में एक एक बात जानती होगी कि उसके बदन पर कहां कौन सा निशान है, उसकी जवानी तो उसी के साथ बीती है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, किसे, आप किसकी बात कर रहे हैं, बताइए मुझे किसे पता है मेरे पापा के बारे में, सब कुछ बताइए मुझे, कौन है वो? इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, किसे, आप किसकी बात कर रहे हैं, बताइए मुझे किसे पता है मेरे पापा के बारे में सब कुछ, बताइए मुझे कौन है वो। दिलीप खोया रहता है, युग के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि दिलीप कुछ सोच रहा था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, अतीत के वो पल जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पर अचानक से गुस्सा आ गया था, एक ईर्ष्या आ गई थी। युग फिर अपनी बात पर जोर देते हुए दिलीप से कहता है, आप कुछ कहते क्यों नहीं, बताइए कौन है वो जिसे मेरे पापा के बारे में सब कुछ पता है। युग आखिरी लाइन चीखते हुए कहता है, कौन है वो? युग के गुस्से की चीख कमरे के अंदर गूंजने लग गई थी। जैसे ही उस चीख की गूंज कम होने लग जाती है, दिलीप चिढ़ते हुए युग के सवाल का जवाब देते हुए तेज आवाज में कहता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो भगोड़ी चित्रा है। जैसे ही दिलीप चित्रा का नाम लेता है, कमरे के अंदर एक खामोशी से छा जाती है, सबके चेहरे के रंग उड़ने लग जाते हैं। चित्रा का नाम सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्म होने लग गया था। दिलीप और युग दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही थे और दोनों एक दूसरे की आंखों को घूरते हुए बातें करते जा रहे थे। दिलीप चिढ़ते हुए ही अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस भगोड़ी चित्रा को तो पता ही होगा कि उस पागल अनुराग के हाथ पर वो निशान कैसे आए थे, आखिर उस पागल अनुराग की जवानी में वही तो उसके साथ रही थी,
वो पागल अनुराग उस भगौड़ी चित्रा को शहर में ही तो मिला था। वो भगौड़ी जरूर उस पागल के बारे में सब कुछ जानती होगी। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस गुस्से से दिलीप को घूरते रहता है। जैसे जैसे युग पागल और भगौड़ी शब्द दिलीप के मुंह से सुनते जा रहा था, उसका गुस्सा दिलीप के प्रति और बढ़ते जा रहा था। उसके अंदर एक ज्वालामुखी दहकने लग गया था। दिलीप की बातें सुनकर अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अनुराग अंकल और इस काले साये की कहानी कहीं न कहीं जरूर लिंक है। तभी तो जब हम उस काले साये के बारे में पता करने की सोच रहे थे, तब भी हमें चित्रा आंटी को खोजना था, और अब जब अनुराग अंकल के बारे में पता करना है, तब भी चित्रा आंटी के बारे में पता लगाना है। दिलीप युग को घूरते हुए कहता है, अगर तुझे उस पागल अनुराग के बारे में कुछ पता करना ही है तो जाकर उस भगौड़ी चित्रा को ढूंढ। उसे तो पता ही होगा कि उस पागल अनुराग के हाथ पर वो निशान कब और कैसे आए थे। युग के कहने से पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, पर हम उन्हें कहाँ पर ढूंढे? इससे पहले भी तो हमने चित्रा आंटी को ढूंढने की कोशिश करी थी, पर वो हमें कहीं नहीं मिली, हम उनका पता नहीं लगा पाए। दिलीप अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, चित्रा आंटी नहीं, चित्रा भगौड़ी बोल उसे, वो भगौड़ी है भगौड़ी। मेरी नाक कटा दी थी उसने पूरे गांव वालों के सामने, उस रात जिस रात वो अपने आशिक के साथ भागी थी। कितना बदनाम होना पड़ा था मुझे सबके सामने। चटर्जी खुद से बड़बड़ाता है, चित्रा के बारे में तो मैंने चार्ली को भी पता करने के लिए कहा था, पर वो भी चित्रा के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था, पता ही नहीं चल पाया कि वो किसके साथ भागी थी। दिलीप चटर्जी की बातें सुन लेता है और झट से तेज आवाज में बोल पड़ता है, अरे भागी होगी वो भगौड़ी किसी भगौड़े के साथ, और किसके साथ भागेगी? उसने मेरी नाक कटवा कर रख दी थी पूरे गांव में। कितना जलील होना पड़ा था मुझे सबके सामने उसके कारण। दिलीप अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी योग उसे बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ कहता है, जलील होना किसे कहते हैं, अभी आप जानते ही कहाँ हैं। जलील तो आप उस दिन होंगे जिस दिन सारे गांव वालों के सामने सारा सच आएगा। मैं अच्छे से जानता हूँ आप मेरे पापा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर मुझे बता नहीं रहे हैं इस डर से कि कहीं आपके काले राज न खुल जाएं, कहीं और बदनामी ना हो जाए। पर देखना, मैं सारी सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। युग एक लंबी आह भरते हुए अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, आपको क्या लगता है अगर आप मुझे मेरे पापा के बारे में नहीं बताएंगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? देख लेना, मैं अपने पापा के बारे में सब कुछ पता करके ही रहूंगा। दिलीप गुस्से के साथ कहता है, तो जाना जाकर पता लगा ले, किसने रोका है तुझे? यहाँ पर बैठकर मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है बार बार अपने पागल बाप के बारे में मुझसे पूछकर? जानकी उन दोनों के पास ही खड़ी हुई थी, जो रोते हुए युग और दिलीप को चुप करने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों में से कोई चुप नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे। जानकी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दिलीप युग को फिर ताना देते हुए उसे छेड़ करते हुए कहता है, और सुन युग, अगर तुझे तेरे बाप के बारे में पता चल जाए तो फिर बाद में अपनी भगौड़ी माँ के बारे में भी पता लगा लेना, आखिर तुझे भी तो पता चले कि तेरी माँ किस भगौड़े के साथ भागी थी, कौन था उसका आशिक, कहीं वही भगौड़ा तो तेरा असली बाप नहीं। दिलीप सारी हदें पार कर चुका था। जैसे ही वो ये बात बोलता है, अगले ही पल युग गुस्से से दिलीप के गिरेबान को पकड़ लेता है। युग का चेहरा गुस्से से लाल होने लग गया था। युग को देखकर सभी सचेत हो गए थे। युग दिलीप का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अपनी हद में रहिए। दिलीप पलट कर कहता है, अपनी हद में तो तू रह युग, मेरे गिरेबान से हाथ हटा वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। युग दिलीप का गिरेबान पकड़े रहता है। बाकी सब लोग उसे बार बार छोड़ने के लिए बोल रहे थे, पर युग किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ दिलीप दिखाई दे रहा था और उसकी बातें सुनाई दे रही थी। जब कोई गुस्से में रहता है तो अक्सर उसके साथ यही होता है। युग के गिरेबान न छोड़ने पर अगले ही पल दिलीप युग से और गुस्से के साथ कहता है, युग तू जानता है तेरी भगौड़ी माँ भागी क्यों थी? युग खामोश रहता है, दिलीप का गिरेबान पकड़े रहता है। दिलीप युग का खामोश चेहरा देखते हुए कहता है, नहीं पता ना, चल मैं ही बता देता हूँ। तू क्या क्या पता करेगा, तुझे तो तेरे बाप के बारे में भी पता करना है, मैं तेरा काम आसान कर देता हूँ, तेरी भगौड़ी माँ के भागने का कारण बताकर। दिलीप अपनी आंखें बड़ी करते हुए युग को घूरते हुए कहता है, तेरी भगौड़ी माँ भागी थी तेरे पागल बाप के कारण। पागल था वो, यक्षिणी की कहानी लिखने का पागल था वो, यक्षिणी की कहानी लिखने का जुनून सवार था, उसी जुनून ने उसे पागल बना दिया था। बचपन में तो कहता ही था यक्षिणी दिखती है यक्षिणी मिलती है, जब बड़ा हुआ तब भी उसका ये पागलपन खत्म नहीं हुआ। शहर से लौट कर आने के बाद भी यक्षिणी यक्षिणी करते फिरता था, कहता था यक्षिणी की कहानी लिखनी है, जब देखो यक्षिणी यक्षिणी करते रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे चित्रा उसकी पत्नी नहीं थी जिससे वो प्यार करता था, जिससे उसने शादी करी थी, बल्कि वो यक्षिणी उसकी पत्नी थी जिसकी वो कहानी लिखना चाहता था। जब देखो यक्षिणी की रट लगाया रहता था, पागल कहीं का, ये सारे लेखक पागल ही होते हैं, और वो अनुराग भी पागल ही था। युग चुप खड़ा रहता है, युग के साथ बस दिलीप को घूरते रहता है। उसे देखकर साफ दिख रहा था कि उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने वाला था। दिलीप अनुराग को और मजाक उड़ाते हुए ठहाके मारते हुए कहता है, वो पागल अनुराग यक्षिणी की कहानी लिखने में इतना मगन हो गया कि अपनी पत्नी को वक्त ही नहीं दे पाया, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया कि उसे किस चीज की जरूरत है। पतियों का तो कर्म होता है अपनी पत्नियों को खुश रखना, पर वो पागल अनुराग भगौड़ी चित्रा को खुश ही नहीं कर पाया, तभी तो खुश होने के लिए वो अपने आशिक के साथ भाग गई।
जैसे ही दिलीप अपनी बात पूरी करके हंसने लग जाता है, युग के हाथ जलते अंगारों की तरह गर्म हो जाते हैं, जिस कारण दिलीप के कुर्ते से जलने की स्मेल आने लग जाती है। दिलीप आग की गर्माहट को महसूस करते हुए चीखता है, आह आह बचाओ मैं जल रहा हूँ। युग के हाथ से आग निकलती या फिर दिलीप का कुर्ता जलता, उससे पहले ही यामिनी, अभिमन्यु और चैटर्जी बाकी सब भी युग को रोकने लग जाते हैं। पर युग कसकर अपनी पकड़ दिलीप के गिरेबान पर जमाए रखता है, उसे छोड़ता नहीं है। सब लोगों के कहने के बाद भी युग दिलीप का गिरेबान नहीं छोड़ रहा था। अगले ही पल जानकी युग के गाल पर कसकर तमाचा जड़ते हुए कहती है, युग छोड़ उन्हें, क्या कर रहा है, वो तेरे बड़े पापा है, तो मेरा सुहाग मुझसे छीन रहा है। जैसे ही युग के गाल पर तमाचा पड़ता है, उस तमाचे की गूंज कमरे में गूंजने लग जाती है और उसी के साथ युग दिलीप का गिरेबान छोड़ देता है। युग एकटक नजर से जानकी को देखते रहता है। जानकी की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। उन आंखों को देखकर युग को ना जाने क्या हो जाता है। उसका गुस्सा शांत होने लग जाता है, उसके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाता है, युग की आंखें भी नम होने लग जाती है। जानकी युग को देखते हुए रोते हुए कहती है, ये तू क्या करने जा रहा था युग, मेरा सुहाग उजाड़ने जा रहा था, तू मुझे विधवा करना चाहता है अपनी बड़ी माँ को, तू ऐसा कैसे कर सकता है युग, कैसे कर सकता है। युग नम लहजे में कहता है, नहीं बड़ी माँ मैं तो। इतना कहकर युग को न जाने क्या हो जाता है, वो कुछ सोचता है और तुरंत हड़बड़ाहट के साथ वहाँ से जाने लग जाता है। यामिनी युग को पुकारते हुए कहती है, युग बाबू, युग बाबू। युग पीछे पलट कर नहीं देखता है, सीधे सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की ओर जाने लग जाता है। यामिनी भी उसका नाम पुकारते हुए उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। जब यामिनी युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि युग बेड पर बैठा हुआ था। युग ने अपना मुंह दूसरी तरफ करके रखा हुआ था, जिस कारण यामिनी को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। युग काफी मायूस था और यामिनी कमरे के अंदर घुसते ही उसकी मायूसी को महसूस कर लेती है। यामिनी धीरे धीरे अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाते हुए युग के पास पहुंचती है और बेड के पास जाकर बैठ जाती है। यामिनी के बेड पर बैठते ही युग को भी एहसास हो गया था कि बेड पर कोई आकर बैठ गया था, और युग ये बात अच्छे से जानता था कि वो यामिनी के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। सभी में से यामिनी को ही उसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी। यामिनी युग को पीछे से पुकारते हुए कहती है, युग बाबू, युग बाबू। युग को जवाब नहीं देता है, मायूसी के साथ बैठा रहता है। यामिनी बड़े प्यार से युग से कहती है, युग बाबू आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे, मुझसे बात करिए युग बाबू। युग पलट कर कुछ नहीं कहता है। यामिनी युग के साथ नाटक करते हुए कहती है, आपको मुझसे बात नहीं करनी ना, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। जब आपको मुझसे बात ही नहीं करनी है तो मैं यहाँ पर रुककर क्या करूंगी, मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी युग हड़बड़ाहट के साथ पीछे पलटते हुए कहता है, नहीं यामिनी मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। ये सब कहते हुए युग जैसे ही पीछे पलटता है, यामिनी देखती है कि युग की आंखों में बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदे थी। उन आंसुओं को देखकर यामिनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, कैसे ना आते। यामिनी युग से प्रेम जो करती थी, और प्रेमी प्रेमिकाएं साथ में हंसते हैं, साथ में रोते हैं, हर पल में साथ रहते हैं। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, आप रो रहे हैं युग बाबू। युग नम लहजे में ही अपने आंसू को गिरने से रोकते हुए कहता है, वो मैं नहीं करना चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया यामिनी, मैं भला उनका सुहाग कैसे उजाड़ सकता हूँ, वो मेरी बड़ी माँ है। यामिनी अपनी तर्जनी उंगली से युग के आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे पता है युग बाबू आप वो कभी नहीं कर सकते हैं, जो भी हुआ है जाने अनजाने में हुआ है, आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। युग खामोशी के साथ रोते रहता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। युग ने अपनी बड़ी माँ को ठेस पहुँचाई थी, जिनसे वो बहुत प्यार करता था, उसकी आंखों से आंसू निकलना लाजमी था। यामिनी फिर बड़े प्यार से रोते हुए ही कहती है, मत रोइए युग बाबू, मत रोइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। युग रोते हुए कहता है, कुछ ठीक नहीं होने वाला यामिनी, मैं हार गया हूँ यामिनी, हार गया हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बाहर मैंने कह तो दिया कि मैं अपने पापा के बारे में पता लगा लूंगा, पर मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे करूंगा। यामिनी युग का विश्वास बढ़ाते हुए कहती है, आप नहीं हार सकते युग बाबू, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी, महादेव पर भरोसा रखिए युग बाबू, वो सब ठीक कर देंगे, देखना आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, महादेव पर भरोसा रखिए। इतना कहकर यामिनी युग को अपनी बाहों में भर लेती है, उससे लिपट जाती है, उसके दुख को कम करने के लिए, उसे अपनेपन का वो एहसास कराने के लिए जो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। प्रेम वो सहारा होता है जो हर दुख को दूर कर देता है, और आज यामिनी अपने प्रेम से युग की जिंदगी में उसी दुख को कम कर रही थी, उसे जिंदगी से लड़ने के लिए कह रही थी। यामिनी युग के मन में एक उम्मीद की किरण जगाते हुए कहती है, महादेव सबका साथ देते हैं युग बाबू, देखना वो हमारा साथ भी जरूर देंगे, मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। युग खामोश रहता है, वो पूरी तरह हार चुका था। जब एक आदमी हारता है तो उसे एक गोद की जरूरत होती है, वो फूट फूट कर रोना चाहता है, एक छोटे बच्चे की तरह अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालना चाहता है। वो गोद या तो उसकी माँ के आंचल की होती है या फिर उसकी प्रेमिका की। इस वक्त युग के पास उसकी माँ तो नहीं थी, पर प्रेमिका जरूर थी। युग कब यामिनी के आलिंगन से उसकी गोद में अपना सिर रख देता है उसे पता ही नहीं चलता है।
यामिनी भी युग के सिर पर हाथ फेरते रहती है। उसे महादेव पर भरोसा रखने को कहती है। यामिनी युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, महादेव पर भरोसा रखिए युग बाबू, वो सब ठीक कर देंगे। आज रात अंधेरा छाया है तो देखना, कल एक नया सवेरा आएगा, महादेव लेकर आएंगे हमारी सारी परेशानियां हल करने, हमें रास्ता दिखाने। यही सब कहते हुए यामिनी युग के सिर पर हाथ फेरते रहती है। युग भी अपना सिर यामिनी की गोद में रखे रहता है। रात में कब युग और यामिनी की आंख लग जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। सुबह हो गई थी, यामिनी युग की बाहों में अपना सिर रखकर सो रही थी। रात को युग को अपनी गोद में सुलाते सुलाते कब वो युग की बाहों में अपना सिर रखकर सो गई थी उसे खुद पता नहीं चला था। खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। जब वो रोशनी यामिनी के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद खुलने लग जाती है। जब यामिनी अपनी आंखें खोलती है और खिड़की की तरफ देखती है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। एपिसोड 486, कहानी लेखक बाबू की। जब यामिनी अपनी आंखें खोलती है और खिड़की की तरफ देखती है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसे खिड़की के बाहर सूरज की किरणों में महादेव का रूप दिखाई दे रहा था जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यामिनी रात भर महादेव के नाम की माला जपती रही थी। यही कारण था कि उसे सूरज की किरणों में भी महादेव का रूप बनते हुए दिखाई दे रहा था। एक तेज सफेद रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। उन्हीं रोशनी में उसे महादेव नजर आ रहे थे। यामिनी को ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के पास स्वयं महादेव हो। यामिनी आहिस्ते से बेड पर से उठती है और खिड़की के पास जाने लग जाती है। जब वो खिड़की के पास पहुंचती है तो अगले ही पल उसे किरणों में महादेव का जो रूप दिखाई दे रहा था वो दिखना बंद हो जाता है। सूरज की सफेद किरणों के ओझल होते ही यामिनी समझ जाती है कि अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बस उसकी एक कल्पना थी और कुछ नहीं। यामिनी खिड़की बंद करने लग जाती है। खिड़की बंद करते हुए उसकी नजर वहां पर रखे टेबल पर पड़ती है जिसके ऊपर कई सारे सफेद कागज रखे हुए थे। उन्हीं सफेद कागज के बंडल के ऊपर एक बड़ा सा मोटा काले रंग का पेन रखा हुआ था। उस पेन में कुछ था जिस कारण वो पेन उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। यामिनी की नजरें उस पेन पर टिक जाती है। यामिनी अपनी नजरें उस पेन पर से हटा ही नहीं पाती है। यामिनी उस पेन को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, ये पेन तो देखा हुआ लग रहा है, इसे तो मैंने। इतना कहकर यामिनी उस पेन को उठाने लग जाती है। यामिनी उस पेन को छूती उससे पहले ही वहाँ पर युग आ जाता है। युग तुरंत उस पेन को उठाते हुए कहता है, ये पेन मेरे पापा का है यामिनी, उस रात तुम्हारे सामने ही तो उस काले साये ने मुझे ये पेन दिया था। मेरे पापा इसी पेन से कहानियाँ लिखा करते थे, उन्हें इंक वाले फाउंटेन पेन बहुत पसंद थे और ये पेन उनके सबसे पसंदीदा पेनों में से एक थी। एकदम से युग को वहाँ पर देखकर पहले तो यामिनी घबरा जाती है पर बाद में युग के चेहरे की चमक देखकर अपने आप को संभालते हुए कहती है, आप कब उठ गए युग बाबू? युग उस पेन को निहारते हुए ही जवाब देता है, बस अभी यामिनी, जब तुम खिड़की के बाहर झांक रही थी। बाहर क्या देख रही थी तुम? यामिनी बात को छुपाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं युग बाबू, बस यूं ही। युग वापस से उस पेन को टेबल पर रखने लग जाता है। युग उस पेन को टेबल पर रख ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे सफेद कागजों पर पड़ती है जिस पर बारीक अक्षरों में हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। युग की नजर पड़ते ही यामिनी की भी उन कागजों पर नजर पड़ जाती है। यामिनी ने उन्हीं सफेद कागज के बंडल पर से काला पेन उठाया था। उन कागजों पर हिंदी में बारीक अक्षरों में हाथ से कुछ लिखा हुआ था। वो अक्षर बहुत ही बारीक थे जिस कारण वो एक ही नजर में पढ़ने में नहीं आ रहे थे। उन कागजों पर लाल स्याही से लिखा गया था। यामिनी उन कागजों को देखते हुए युग से पूछती है, ये कैसे कागज हैं युग बाबू, इन पर क्या लिखा हुआ है? जब युग उन कागजों को देखता है तो उसे याद आता है कि जिस रात वो पंचम गांव से ताबूत लेकर आया था उस रात उसने ताबूत को अपने कमरे में रखा था। उसे खोला भी था और अपने पिता की लाश को देखकर वो भावुक हो गया था और उनके लिए खत लिखने लग गया था और खत लिखते हुए ही वो सो गया था। आधी रात में जब उसकी नींद खुली तो उसे उसके पापा की पुकार सुनाई देने लग गई थी। उनकी याद आने लग गई थी जिस कारण वो हड़बड़ाहट के साथ ताबूत लेकर अकेला ही हवेली से निकल गया था और जो खत उसने लिखा था वो उसे ताबूत के अंदर रखना भूल गया था। यामिनी युग बाबू से फिर पूछती है, युग बाबू आप कहाँ खो गए? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताइए ना ये कागज कैसे हैं और क्या लिखा है इन पर? युग उस कागज को देखते हुए कहता है, यामिनी ये वो खत है जो उस रात मैंने अपने पापा के लिए लिखा था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं इसे ताबूत में रखना भूल गया था। मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी और वो ये थी कि मुझे उस काले साये के पास जाना था ताबूत लेकर ताकि मैं अपने पापा की रूह और तुम्हें यामिनी उसकी कैद से आजाद करवा सकूं। युग यामिनी को सब कुछ बता ही रहा था कि तभी यामिनी जो कागज टेबल पर रखा हुआ था उसे उठाने लग जाती है। जब यामिनी उस कागज को उठाती है तो देखती है कि उस कागज के नीचे जो कागज था
उस पर भी बारीक अक्षरों में रेड इंक से ही कुछ लिखा हुआ था। दोनों कागजों की लिखावट एक जैसी थी, जैसे एक ही शख्स ने दोनों कागजों पर कुछ लिखा हुआ हो। जब यामिनी उस कागज को भी उठा लेती है तो देखती है कि उसके नीचे वाले तीसरे कागज के ऊपर भी रेड इंक से हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। वो कागज एक कागजों के ढेर के बंडल पर रखे हुए थे, जिसमें करीब 200 से 300 कागज एक कतार में एक के बाद एक रखे हुए थे। यामिनी उस बंडल में से कुछ कागजों को एक साथ उठाते हुए कहती है, अब इन कागजों में क्या लिखा है युग बाबू आपने? यामिनी करीब 50 से ज्यादा कागजों को एक साथ उठाती है और देखती है कि उन सारे कागजों में रेड इंक से कुछ न कुछ लिखा हुआ था। वो कागज भरे हुए थे एक ही हैंडराइटिंग में। यामिनी ने जो सबसे पहला कागज टेबल पर से उठाया था उसे देखने के बाद बाकी के कागजों को भी देखते हुए कहती है, ये खत की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और ये बाकी के कागज भी, ये तो किसी कहानी की तरह लग रहे हैं, जैसे किसी ने कोई कहानी लिखी हो। आपने अपने पापा के लिए खत लिखा था या कहानी? युग परेशान होते हुए कहता है, मैं कहानी क्यों लिखूंगा यामिनी, जरा दिखाना। इतना कहकर युग यामिनी के हाथ से वो कागज ले लेता है। जैसे ही वो उन कागजों को छूता है उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य धुंधले धुंधले दिखाई देने लग जाते हैं। युग को याद आता है कि उस रात जब उसने अपने पापा का पेन पकड़ा था तो वो बस लिखते ही जा रहा था, उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे खुद नहीं पता था वो क्या लिख रहा था, वो बस लिखे जा रहा था जैसे कोई और उससे कुछ लिखवा रहा हो। युग यामिनी से परेशानी के साथ कहता है, यामिनी ये हैंडराइटिंग तो मेरी ही है और ये लिखा भी मैंने ही है, पर इतना सारा मैंने कैसे लिख दिया? मुझे नहीं पता यामिनी, मुझे नहीं पता। यामिनी भी युग की बातें सुनकर दंग रह गई थी, उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता था। यामिनी ने युग के हाथ में जो कागज पकड़े हुए थे उन्हें देखते हुए कहा, युग बाबू इस पर लिखा क्या है, पढ़कर तो देखिए। युग पहले कागज को गौर से देखता है तो नोटिस करता है कि कागज पर सबसे ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी, वैसी ही हेडिंग जैसी अक्सर युग को टाइपराइटर में जब किसी की मौत की स्क्रिप्ट मिलती थी उसी पर लिखी होती थी। जब युग कागज में जो हेडिंग लिखी हुई थी उसे मन में पढ़ता है तो उसके हाथ कपकपाने लग जाते हैं, युग डरने लग जाता है। यामिनी युग को पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ युग बाबू, क्या लिखा है इसमें, आप बोलते क्यों नहीं? युग हकलाते हुए हेडिंग पढ़ते हुए कहता है, कहानी लेखक बाबू की। जैसे ही युग ये बात बोलता है यामिनी भी एकदम खामोश हो जाती है। यामिनी अपनी भवे ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहती है, लेखक बाबू यानी आपके पिता अनुराग अंकल, उन्हीं को तो सब लेखक बाबू कहते थे ना। इतना कहकर यामिनी युग को एकटक नजर से देखने लग जाती है, युग के जवाब आने का इंतजार करने लग जाती है। युग कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। यामिनी हड़बड़ाते हुए कहती है, इसका मतलब आपने किसी और की नहीं अपने पिता की कहानी लिखी है, वो कहानी जिसकी हमें तलाश थी, जिसके बारे में हम जानना चाहते थे। युग परेशान होते हुए कहता है, पर मैं कहानी कैसे लिख सकता हूँ यामिनी, मैं कोई लेखक थोड़ी हूँ। यामिनी पलट कर कहती है, आप लेखक नहीं है तो क्या हुआ युग बाबू, आपके पिता तो लेखक थे ना, आपकी रगों में उन्हीं का खून बह रहा है, एक लेखक का। कहते हैं ना बेटे में बाप के ही गुण आते हैं, और आपके अंदर भी अपने पिता के गुण ही हैं, तभी आप कहानी लिख पा रहे हैं। युग फिर परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, पर मैं कैसे ये सब कहानी। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही यामिनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, युग बाबू ये कोई पहली कहानी थोड़ी है जो आपने लिखी है, इससे पहले भी तो आपने यक्षिणी भक्षानर और महाडायन की कहानी लिखी थी, उसी से तो आप लोगों को पता चल पाया था ना कि मेरी माँ कामेश्वरी यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था और कैसे मिला था, आप ये सब कैसे भूल सकते हैं। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है युग को याद आ जाता है कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर टाइपराइटर पर एक बार उसने ही कहानी लिखी थी, और वो कहानी उसने कैसे लिख दी थी उसे खुद पता नहीं चला था। वो कहानी लिखते वक्त अभिमन्यु ने उसे डिस्टर्ब भी किया था और उसने उस पर चिल्ला भी दिया था। उसी रात अभिमन्यु ने युग को सिगरेट पीते वक्त भी देखा था। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैंने कहा था ना युग बाबू आपसे महादेव हमारी मदद करेंगे, और देखिए महादेव ने हमारी मदद कर दी, लेखक बाबू की कहानी पर हमारी नजर पड़ाकर। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है छोटी से छोटी चीज, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और आप खुद देखिए उस रात भले ही आपने अपने पिता को खत लिखने के लिए कलम थामा था पर आपने अपने पिता की कहानी लिख दी, ये एक चमत्कार ही है युग बाबू महादेव का। महादेव हमारे साथ है, हमारे सिर पर उनका हाथ है। युग खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता है। उसे तो अभी भी अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो कहानी उसने लिखी थी, उसे बस ये याद था कि वो घंटों तक लिखते रहा था और लिखते लिखते ही उसकी आंख लग गई थी। यामिनी फिर कहती है, यही वो कहानी है युग बाबू जिसकी हम तलाश कर रहे थे, आप जानना चाहते थे ना मेरी माँ कामेश्वरी यक्षिणी ने आपके पिता के साथ क्या बिसाह किया था, आप उस काले साई के बारे में भी जानना चाहते थे ना, और ये भी कि आपके पिता के शरीर पर वो पांच निशान कैसे आए। आपके सारे सवालों के जवाब इस कहानी में है युग बाबू, जो इस वक्त आपने अपने हाथों में पकड़ी है, कहानी लेखक बाबू की। यामिनी के इतना कहते ही युग ने अपने हाथ में जो कागज पकड़ा था उसकी तरफ देखने लग जाता है। यामिनी युग पर कहानी पढ़ने का दबाव बनाते हुए कहती है, पढ़िए युग बाबू, लेखक बाबू की कहानी पढ़िए, कई राज हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उन सारे राज का पता हमें ये कहानी पढ़कर ही चल पाएगा, पढ़िए युग बाबू, लेखक बाबू की कहानी पढ़िए। युग को भी यामिनी की बात सही लगने लग जाती है और अगले ही पल वो लेखक बाबू की कहानी की हेडिंग पढ़ते हुए कहता है, कहानी लेखक बाबू की।
इसी के साथ युग लेखक बाबू की कहानी पढ़ना शुरू कर देता है। कई साल पहले पंचम गांव, जो कि किश्नोई नदी के किनारे पर बसा हुआ था, रात के 3 बज रहे थे। पंचम गांव के पास जो किश्नोई नदी बह रही थी, उसके किनारे पर एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ा सा गोल टीका, गले में बड़ा सा सोने का मंगलसूत्र उस औरत ने पहना हुआ था। बाल उसके बिखरे हुए थे, वो औरत खून से सनी हुई थी। उसके चेहरे, हाथ पैर और बदन से खून बह रहा था, जैसे वो किसी से अपनी जान बचाकर भागी हो। उस औरत की गोद में एक बच्चा था, जो कि उस औरत को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। वो औरत उस बच्चे को एक छोटी सी टोकरी में रख देती है और बच्चे सहित उस टोकरी को नदी में उतार देती है। वो बच्चा उस औरत को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। उस बच्चे के होंठ पर एक खून की बूंद थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी औरत का खून हो। वो औरत उस बच्चे को देखकर रोती रहती है। उस औरत की आंखों से साफ समझ आ रहा था कि जिस बच्चे को उसने टोकरी में रखा है, वो उसकी संतान है। वो औरत उस बच्चे की माँ थी। वो औरत उस बच्चे को देखते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे अपने आप से दूर कर रही हूँ। ये लोग मुझे तेरे साथ रहने नहीं देंगे, जिस कारण मुझे अपने आप को तुझसे अलग करना पड़ रहा है। मेरे बेटे, याद रखना, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा करती रहेगी। वो हमेशा तेरे साथ है। वो औरत लाड से अपने छोटे से बच्चे को दुलारती रहती है। वो औरत अपने बच्चे की मासूम सी आंखों में देखते हुए कहती है, तेरा जन्म इस संसार को बदलने के लिए हुआ है। तू इस संसार का पूरा रूप बदल देगा, वो कामयाबी हासिल करेगा जो हमें से कोई नहीं कर पाया। तू हमारा आखिरी चिराग है और आखिरी चिराग मिसाल कायम करती है, जो तू भी करेगा मेरे बेटे, मुझे तुझ पर विश्वास है। उस औरत के इतना कहते ही उसकी आंखों में से एक आंसू की बूंद गिरती है और सीधे जाकर टोकरी के अंदर जो बच्चा था उसके हाथ की कलाई पर गिर जाती है। जैसे ही वो बूंद उस बच्चे की कलाई पर गिरती है, उसके हाथ के ऊपर पानी की बूंद का निशान आ जाता है, वैसा ही बूंद का निशान जो युग के हाथ पर है। वो औरत अपने बच्चे को देखते हुए उससे बात ही कर रही थी कि तभी उसे 3-4 लोगों के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है, जो उसकी तरफ ही कदम बढ़ाते जा रहे थे। अगले ही पल वो औरत घबराते हुए कहती है, वो आ रहे हैं, वो दुष्ट आ रहे हैं मेरे बेटे। वो औरत रोते हुए कहती है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है मेरे बेटे, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुझे माँ का वो प्यार नहीं दे पाई जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है। वो औरत उस टोकरी को बहाते हुए कहती है, जा मेरे बच्चे, जा इस दुनिया पर फतेह हासिल कर, तुझे वो सब कुछ मिले जो तेरा है, जा मेरे बच्चे दुनिया पर फतेह हासिल कर। यही सब बड़बड़ाते हुए वो औरत उस टोकरी को अपने बच्चे के साथ नदी में बहा देती है और देखते ही देखते वो टोकरी उस औरत से दूर जाने लग जाती है। कुछ ही पल में टोकरी किश्नोई नदी की धारा के साथ बहने लग जाती है और पंचम गांव पार कर लेती है। इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। वो टोकरी उस औरत से दूर जाने लग जाती है। कुछ ही पल में टोकरी किश्नोई नदी की धारा के साथ बहने लग जाती है और पंचम गांव पार कर लेती है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। ब्रजेश्वर अपने नौकर बल्लू के साथ सुबह सुबह सैर पर निकला था। ब्रजेश्वर कोई और नहीं बल्कि दिलीप के पिता का नाम था। ब्रजेश्वर ने धोती कुर्ता पहन कर रखा हुआ था। बल्लू के बाल अभी सफेद नहीं हुए थे, वो अभी हट्टा कट्टा जवान था, उसकी उम्र करीब 40 होगी। हर रोज की तरह ब्रजेश्वर अपने वफादार नौकर बल्लू के साथ बंगला मुड़ा घाट के किश्नोई नदी के किनारे सैर पर आया था। ब्रजेश्वर और बल्लू दोनों ही बातें करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे। ब्रजेश्वर बल्लू से बात करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये गांव के मर्दों को हुआ क्या है, इनकी बुद्धि क्या भैंस चढ़ने गई है? कितनी बार बोला है अमावस्या की रात किश्नोई नदी के पास ना जाएं? वो यक्षिणी वहां पर घूमती है फिर भी चले जाते हैं, उस यक्षिणी की हवस का शिकार बने मरते खुदे और दोष मुझे देते हैं कि मुखिया जी आप कुछ करते नहीं। अब मैं भला क्या करूं? सदियों से उस यक्षिणी का कोई कुछ नहीं कर पाया है और जिसने भी कुछ करने का सोचा है वो भगवान को प्यारा हुआ है। उसने हिंदुस्तानियों को तो छोड़ो, अंग्रेजों को भी अपनी हवस का शिकार बनाया था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये अंग्रेज यक्षिणी के डर से ही भारत छोड़कर भागे हैं। बल्लू ब्रजेश्वर के पीछे चलते हुए कहता है, गांव के मर्दों को ना कुछ नहीं हुआ है मालिक, बस सारे मर्दों की ना लंगोट ढीली हो गई है, इसलिए रह रहकर अमावस्या की रात किश्नोई नदी के पास चले जाते हैं। इनकी जिंदगी में तो कुछ रखा नहीं होता, जिंदगी जीने की उम्मीद खो बैठते हैं, इसलिए मरने के लिए यक्षिणी के पास चले जाते हैं, ताकि मरने से पहले कम से कम संभोग तो नसीब हो जाए। ढीली लंगोट वाले मर्दों के लिए संभोग ही स्वर्ग होता है, उनके लिए स्वर्ग का रास्ता संभोग से ही होकर जाता है। इन जैसे मर्दों की लंगोट स्त्रियों की कमर देखकर ही खुल जाती है, फिर वो तो यक्षिणी है, उसके साथ संभोग करके मरना भी कई ढीली लंगोट वाले मर्दों के लिए सपना ही है। ब्रजेश्वर पलट कर कहता है, नहीं बल्लू, मर्दों की लंगोट इतनी ढीली भी नहीं होती जो यूं ही खुल जाए, सबको अपनी जान प्यारी है। ये सब ना उस यक्षिणी का ही किया धरा है, वही अमावस्या की रात ऐसे जाल बिछाती है, ऐसा काला जादू करती है कि कोई ना कोई मर्द उसके चंगुल में फंस ही जाता है, तभी तो वो सदियों से मर्दों को अपनी हवस का शिकार बना रही है।
एक अमावस्या ऐसी नहीं बीती होगी जब उसने किसी मर्द को अपना शिकार नहीं बनाया होगा। वो अपने यौवन रूप में ब्रह्मचारी मर्दों तक को फंसा लेती है। बल्लू अपने भव्य ऊपर करते हुए कहता है, मालिक सुना है वो यक्षिणी बहुत ही सुंदर है, एक डायन होकर स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर लगती है वो। बहुत चर्चे सुनता आ रहा हूँ मैं उसके यौवन बदन के। उसके नितंब तक आते हैं लंबे बाल, कोमल होंठ, मादक कमर, उसके बदन के हर एक अंग में जादू है, इतनी खूबसूरत है वो। बल्लू ठहरते हुए बृजेश्वर से पूछता है, मालिक क्या आपने कभी उस यक्षिणी को देखा है? बृजेश्वर बल्लू पर चिढ़ते हुए कहता है, तुम मूर्ख है क्या बल्लू? उस यक्षिणी को देखना मतलब अपनी मौत को देखना। आज तक जिसने भी उसे देखा है कोई जिंदा नहीं बचा है, और तू भी ना अपनी लंगोट कस ले, कुछ ज्यादा ही ढीली हो रही है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर तेरी लंगोट ढीली हुई समझ लेना तेरी 13वीं हुई। बल्लू पलटकर कुछ नहीं कहता है। बृजेश्वर अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, चल अब जल्दी से स्नान कर ले, पूजा का वक्त हो रहा है, देरी नहीं होनी चाहिए। बल्लू हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मालिक। बृजेश्वर और बल्लू दोनों ही नहाने के लिए किश्नोई नदी में उतर जाते हैं। किश्नोई नदी में इस वक्त कमर तक पानी था, बहाव ज्यादा तेज नहीं था, इसलिए वो आसानी से नदी में स्नान कर पा रहे थे। बल्लू भले ही बृजेश्वर का नौकर था, पर बृजेश्वर ने बल्लू को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा था। यही कारण था कि बल्लू कभी सपने में भी बृजेश्वर को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता था। बृजेश्वर जो भी करने को कहता था, बल्लू बिना सही गलत के बारे में सोचे उसके आदेश का पालन करता था। बृजेश्वर और बल्लू दोनों ही किश्नोई नदी में स्नान कर रहे थे। बृजेश्वर हमेशा की तरह सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए नदी में डुबकियां लगा रहा था। अभी उसने 2 डुबकियां लगाई ही थी और तीसरी लगाकर उसने अपना सिर पानी के ऊपर निकाला ही था कि उसके सिर से एक टोकरी आकर टकरा जाती है। नदी के बहाव के साथ वो टोकरी आगे बहती है, उससे पहले ही बृजेश्वर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने लग जाता है। बृजेश्वर उस टोकरी को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे ये क्या है? इतना कहकर बृजेश्वर उस टोकरी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। जब बृजेश्वर उस टोकरी के अंदर झांकता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उस टोकरी के अंदर वही बच्चा था जिसे रात में पंचम गांव की उस औरत ने किश्नोई नदी में बहाया था। वो बच्चा बृजेश्वर को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। बल्लू भी उस बच्चे को देखकर दंग रह जाता है। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा कहां से आ सकता था। बृजेश्वर हैरानी के साथ कहता है, ये बच्चा इस टोकरी में कैसे? बल्लू अपने हाथ से इशारा करते हुए कुछ घबराते हुए कहता है, मालिक ये टोकरी तो उस तरफ से बहते हुए आ रही है और उस तरफ तो वो गांव। इतना कहकर बल्लू खुद चुप हो जाता है जैसे उसे किसी बात का डर हो। बृजेश्वर बच्चे को लेकर नदी में से बाहर निकलने लग जाता है। उसी वक्त बल्लू उसे टोकते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इसे यहीं पर छोड़ दीजिए, इसे अपने साथ ले जाना ठीक नहीं। बृजेश्वर बल्लू पर गुस्सा करते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या बल्लू? हम कैसे इस मासूम बच्चे को यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं? जरा एक बार इसकी तरफ देख, कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी, कितना सुंदर है ये। जब बृजेश्वर के कहने पर बल्लू बच्चे की तरफ देखता है तो उसका भी मन उस बच्चे को अपनी गोद में लेने का होने लग जाता है। वो बच्चा था ही इतना सुंदर कि हर कोई उसे एक बार अपनी गोद में लेना चाहे। बच्चे की आंखों में वो ताकत थी कि हर कोई उसकी तरफ मोहित हो जाए। वो बच्चा उन दोनों को देखकर ही मुस्कुराया जा रहा था। बल्लू उसे अपनी गोद में ले ही रहा था कि तभी उसे उस बच्चे के हाथ की कलाई पर जो पानी की बूंद वाला निशान था वो दिख जाता है। उस निशान को देखकर बल्लू को कुछ अजीब लगने लग जाता है और वो बच्चे को अपनी गोदी में उठाने का ख्याल बदल देता है। बल्लू अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, मालिक इस बच्चे के हाथ पर ये निशा। बल्लू अपनी बात पूरी करता है इससे पहले बृजेश्वर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बस बल्लू मुझे ना कुछ नहीं सुनना है। तू क्या मेरे हाथों से पाप कराना चाहता है? अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो ऊपर जाकर मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा? बल्लू हिचकिचाते हुए कहता है, पर मालिक आप जानते हैं ना ये बच्चा उस तरफ से। बृजेश्वर बल्लू को फिर एक बार टोकते हुए कहता है, बल्लू तू ने अपना मुंह बंद ही रख, मुझे कुछ नहीं जानना समझा? मैं बस इतना जानता हूँ कि ये बच्चा मुझे मिला है और इसकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। हमें इसके माँ बाप के बारे में पता करना होगा और जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चल जाता ये मेरे साथ रहेगा। सुन बल्लू, जाओ और इसके माँ बाप के बारे में पता कर ये बच्चा कहाँ से बहकर आया है और किसने इसे बहाया है, समझा? बल्लू का मन तो कर रहा था वो बृजेश्वर को फिर से मना करने की कोशिश करे, पर वो जानता था बृजेश्वर अपना फैसला सुना चुका था और उसका फैसला पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए बल्लू बृजेश्वर के आदेश का पालन करते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है और कुछ नहीं कहता है। बृजेश्वर उस बच्चे को अपने सीने से लगाता है और उसे प्यार से दुलारते हुए बल्लू के साथ वहाँ से ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी जिसकी हर इमारत चमक रही थी जैसे अभी अभी उसे बनाया गया हो। ग्रेवयार्ड कोठी के सामने एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें कई सारे रंग के अलग अलग नस्ल के फूल लगे हुए थे जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास मनमोहक खुशबू छाई हुई थी। ग्रेवयार्ड कोठी बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत सुंदर लग रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी कोठी की तरह नहीं बल्कि एक घर की तरह लग रही थी और एक मकान को घर कोई और नहीं बल्कि एक स्त्री बनाती है और ग्रेवयार्ड कोठी को घर बनाने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि वैजयंती थी जो कि बृजेश्वर की पत्नी थी। वैजयंती एक सर्वगुण संपन्न स्त्री थी जो अपने पति को अपने भगवान और अपने बच्चे दिलीप को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इस वक्त दिलीप की उम्र करीब 7 साल की थी। वो अभी भी उतना ही चालाक और घमंडी था जितना वो बड़े होकर होने वाला था।
ग्रेवयार्ड कोठी का माहौल खुशनुमा था। डर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, बल्कि वो तो इतनी अद्भुत थी ऐसी कि हर कोई उसमें रहना चाहे। इस वक्त वैजयंती चावल बिन रही थी और उसके पास ही दिलीप था जो कि अकेला खेलने में मगन था। उसके हाथ में एक बॉल थी और उसे हवा में उछलाते हुए कैच पकड़कर खेले जा रहा था। वैजयंती बड़े प्यार से दिलीप से कहती है, दीपू बेटा कितनी बार बोला है मैंने तुमसे, घर में नहीं खेला करते, बाहर जाकर खेलो। वैजयंती दिलीप को प्यार से दीपू कहती थी। दिलीप बॉल हवा में उठाते हुए कहता है, नहीं माँ मुझे यहीं पर खेलना है, आप तो मेरे साथ खेलती नहीं तो फिर बाहर जाकर मैं किसके साथ खेलूंगा, मैं तो यहीं पर खेलूंगा। वैजयंती कहती है, तू ना दीपू बड़ा जिद्दी हो गया है, तुझे अब मार नहीं पड़ती ना इस वजह से। वैजयंती दिलीप से बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर ब्रजेश्वर और बल्लू आ जाते हैं। ब्रजेश्वर ने अपनी गोद में उसी बच्चे को पकड़ा हुआ था जो उसे नदी में मिला था। जब वैजयंती की नजर उस बच्चे पर पड़ती है तो वो दंग रह जाती है। एक पल के लिए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगने लग जाता है जैसे ब्रजेश्वर की गोद में बच्चा उसकी स्वतन का हो। वैजयंती ब्रजेश्वर को हैरानी के साथ देखते हुए कहती है, दिलीप के पापा ये बच्चा? वैजयंती इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही ब्रजेश्वर खुद बोल पड़ता है, वैजयंती ये बच्चा मुझे किश्नोई नदी के पास। ये कहते हुए ब्रजेश्वर खुद ही पूरी दास्तान सुना देता है कि वो बच्चा उसे कैसे मिला था। ब्रजेश्वर अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, जब तक इसके माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता ये हमारे साथ ही रहेगा। वैजयंती ब्रजेश्वर की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं दिलीप के पापा, आज से ये हमारे घर का ही एक सदस्य है, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते तब तक मैं इसका उसी तरह ख्याल रखूंगी जैसे मैंने अपने बेटे दीपू का रखा है। वैजयंती दिलीप की तरफ देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहती है, लो दिलीप तुम्हें खेलने के लिए कोई चाहिए था ना, खेलो तुम्हारा छोटा भाई आ गया, अब इसके साथ खूब खेलना। दिलीप उस छोटे से बच्चे को देखकर मुंह बनाने लग जाता है, उसे वैजयंती की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जब वैजयंती उस बच्चे का चेहरा देखती है तो वो भी अपने आप को उसे गोद में लेने से रोक नहीं पाती है। जब वैजयंती उस बच्चे को गोद में ले रही होती है तो देखती है कि उस बच्चे ने अपने हाथ में एक काला पेन पकड़ा हुआ था। वो काला पेन हूबहू वैसा ही पेन था जैसा उस काले साए ने युग को दिया था। इसी तरह के दिखने वाले पेन से युग ने लेखक बाबू की कहानी लिखी थी। वैजयंती हिचकिचाते हुए कहती है, दिलीप के पापा अब इसके हाथ में तो आपका पेन है। ब्रजेश्वर कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं वैजयंती, जब आ रहे थे ना तो रास्ते में कब इसने मेरे कुर्ते की जेब में से मेरा पेन निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया मुझे पता ही नहीं चला, और जब मेरी नजर इस पर पड़ी मैंने इसके पास अपना पेन देखा, इसके हाथ से अपना पेन लेने लगा तो ये ऐसे रोने लगा कि पूछो मत, वापस ले ही नहीं पाया। वैजयंती हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं दिलीप के पापा, देखने से तो ये बच्चा करीब 9-10 दिन का लगता है और इसने आपके कुर्ते की जेब से पेन निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया और आपको वापस भी नहीं लेने दिया, इसके कोमल हाथों की इतनी तेज पकड़ है। ब्रजेश्वर हामी भरते हुए कहता है, पकड़ नहीं आवाज वैजयंती, तुम एक बार इसके हाथ से पेन लेने की कोशिश करके तो देखो, तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। जैसे ही ब्रजेश्वर ये बात बोलता है वैजयंती अगले ही पल अपने हाथ आगे बढ़ाती है और एक ही झटके में वो पेन उस बच्चे के हाथ से छीन लेती है। जैसे ही वैजयंती उस बच्चे के हाथ से पेन छीनती है वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता है। पूरी ग्रेवयार्ड कोठी उस बच्चे के रोने की आवाज से गुंजायमान हो जाती है। जानकी उस बच्चे के रोने की आवाजें सुन नहीं पाती है और वो उस बच्चे के हाथ में वापस से पेन थमा देती है। पेन थमाते ही वो बच्चा एकदम चुप हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ब्रजेश्वर हंसते हुए कहता है, अब पता चला कि मैं इतने छोटे से बच्चे के हाथ से पेन क्यों नहीं ले पाया। वैजयंती मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ चल गया पता, पर आप अपने पेन की सोचे दिलीप के पापा, मुझे नहीं लगता ये बच्चा आपको आपका पेन आज वापस करने वाला है। ब्रजेश्वर उस बच्चे को एक टक नजर से देखते हुए प्यार से कहता है, मैं तो चाहता हूँ ये जिंदगी भर मुझे ये पेन वापस न करे, हमेशा अपने पास ही रखे मेरी तरह। वैजयंती हैरानी के साथ कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं दिलीप के पापा, ये पेन तो आपका सबसे पसंदीदा पेन है ना, आप तो इसे किसी को छूने तक नहीं देते, पिछली बार मेरे दिलीप ने इससे जरा सा खेल क्या लिया था आपने उसका गाल सुझा दिया था, और आप इतने से छोटे से बच्चे को यूं ही अपना पेन दे रहे हैं। ब्रजेश्वर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वैजयंती क्योंकि चीजें उसी को मिलनी चाहिए जो उसका हकदार हो, तुम्हारा ये लाडला दिलीप 7 साल का हो गया है पर इसे पेन ढंग से पकड़ना भी नहीं आता है। वैजयंती ब्रजेश्वर की बात से एकदम सहमत थी इसलिए वो कुछ नहीं कहती है। ब्रजेश्वर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, कहते हैं बच्चों के बचपन से उनकी रुचि से ही पता चल जाता है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, और मुझे तो इस छोटे से बच्चे की आंखों में अभी से इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। देखना इसे किताबें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होगा, बड़े होकर या तो ये कोई कवि बनेगा या बड़ा सा लेखक, कवि बने ना बने पर लेखक जरूर बनेगा और सब इसे लेखक बाबू के नाम से पुकारेंगे, इसको देखकर कहेंगे देखो लेखक बाबू आ गए। इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
ब्रजेश्वर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, कहते हैं बच्चों के बचपन से उनकी रुचि से ही पता चल जाता है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, और मुझे तो इस छोटे से बच्चे की आंखों में अभी से इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। देखना इसे किताबें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होगा। बड़े होकर या तो ये कोई कवि बनेगा या बड़ा सा लेखक। कवि बने ना बने पर लेखक जरूर बनेगा, और सब इसे लेखक बाबू के नाम से पुकारेंगे। इसको देखकर कहेंगे, देखो लेखक बाबू आ गए। दिलीप ईर्ष्या भरी निगाहों के साथ उस छोटे से बच्चे को देखकर अपने अंदर गुस्सा भरे जा रहा था, जो आगे चलकर चिंगारी का काम करने वाला था। दिलीप को यही देखकर बुरा लग रहा था कि अनजान बच्चे को ब्रजेश्वर ने बिना कोई रिश्ते के अपना पेन दे दिया था, वो पेन जिसे ब्रजेश्वर हमेशा अपने पास रखता था। उसी पेन को छूने पर दिलीप को मार खानी पड़ी थी। वैजयंती मुस्कुराते हुए कहती है, अपना दिलीप के पापा बड़े सपने देखते हैं, ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए। ब्रजेश्वर अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए ही कहता है, सपने नहीं देख रहा हूँ वैजयंती, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, और वैसे भी जब तक सपने देखेंगे नहीं तब तक वो सच कैसे होंगे। वैजयंती कहती है, दिलीप के पापा सपने तो तब सच होंगे ना जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे। आप ना पहले ही देर कर चुके हैं, जाइए और जाकर पूजा कीजिए। ब्रजेश्वर उस बच्चे को वैजयंती की गोद में पकड़ाता है और खुद पूजा करने चला जाता है। वैजयंती उस बच्चे को प्यार से दुलारने लग जाती है। ये देखकर दिलीप के मन में उस छोटे से बच्चे के खिलाफ और ईर्ष्या भर जाती है। एक हफ्ते बाद ब्रजेश्वर और वैजयंती दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। दोनों ही उस छोटे से बच्चे के साथ खेल में मग्न थे। दोनों ही बच्चे का लाड़ दुलार कर रहे थे। उस बच्चे ने अपने हाथ में अभी भी काला पेन पकड़ कर रखा हुआ था। वो ज्यादातर उस पेन को अपने हाथ में ही पकड़े रहता था। वो बच्चा जब भी रोता वैजयंती उसके हाथ में पेन थमा देती और वो बच्चा रोना बंद कर देता, जैसे वो पेन उसकी जान हो। वो बच्चा इतना प्यारा था कि एक हफ्ते के अंदर ही उसने ब्रजेश्वर और वैजयंती दोनों के मन को मोह लिया था, अपनी तरफ पूरी तरह से मोहित कर लिया था। दिलीप वहीं पर था जो उस छोटे से बच्चे को देखकर आग बबूला हो रहा था। वो एक हफ्ते से यही सोच रहा था कि कब उस बच्चे के माँ बाप के बारे में पता चलेगा और कब वो ग्रेवयार्ड कोठी से जाएगा। वो उस बच्चे का वहाँ से जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ब्रजेश्वर तो पहले ही दिलीप के प्रति कुछ सख्त था, अब वैजयंती भी होने लग गई थी। दिलीप को अपने प्रति वैजयंती का प्यार कम होते हुए दिखाई देने लग गया था। वैजयंती ज्यादा से ज्यादा वक्त उस छोटे से बच्चे के साथ बिताती थी, उसे पराए की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह रखती थी। वैजयंती ब्रजेश्वर से कहती है, दिलीप के पापा आपको इस बच्चे के माता पिता के बारे में कुछ पता चला? ब्रजेश्वर मायूसी के साथ कहता है, अभी तक तो नहीं वैजयंती, बल्लू से बोला है मैंने, वो पता कर रहा है। वैजयंती कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस बच्चे को गोद। वैजयंती इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही बल्लू मालिक मालिक पुकारते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसे चलाता है, जिस कारण वैजयंती अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है और बीच में ही रुक जाती है। बल्लू बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। वो पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने से लथपथ था। उसके माथे पर डर की कई सारी लकीरें दिखाई दे रही थी। बल्लू फिर ब्रजेश्वर को पुकारते हुए कहता है, मालिक मालिक सुनिए। ब्रजेश्वर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है बल्लू, तेरे सामने हूँ फिर भी मुझे ऐसे पुकारे जा रहा है जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? बल्लू पलटकर कुछ नहीं कह पाता है, शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। ब्रजेश्वर बल्लू के हाव भाव समझते हुए कहता है, क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है बल्लू, सब ठीक तो है ना? बल्लू घबराते हुए कहता है, कुछ ठीक नहीं है मालिक, बहुत बड़ा पाप हो गया है हम लोगों से, हमें ये नहीं करना चाहिए था, मैंने तो आपको आगाह भी किया था उस वक्त पर आप नहीं माने। ब्रजेश्वर चढ़ते हुए कहता है, ये तू हवा में बातें करना बंद करेगा और बताएगा कि हुआ क्या है। बल्लू कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ब्रजेश्वर के बगल में बैठी वैजयंती पर पड़ती है और वो देखता है कि वैजयंती उसे अपने सीने से चिपकाए जा रही थी। बल्लू ब्रजेश्वर के सामने अपनी बात रख ही रहा था कि तभी वो देखता है कि वैजयंती ने अपनी गोद में उस बच्चे को पकड़ कर रखा हुआ था और वो उसकी मालिश करने की तैयारी कर रही थी। बल्लू हड़बड़ाहट के साथ कहता है, इसको नीचे रख दीजिए मालकिन, नीचे रख दीजिए, दूर रखिए इसे अपने आप से और छोटे मालिक से भी। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है वहां पर मौजूद दिलीप भी बल्लू की बातें गौर से सुनने लग जाता है। वैजयंती भी बल्लू पर चिढ़ते हुए कहती है, तो सुबह सुबह भांग खा के तो नहीं आ गया है ना बल्लू, ये कैसी बातें कर रहा है तू मेरे बच्चे के बारे में, ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं इसे अपने आप से दूर क्यों करूं भला। इतना कहकर वैजयंती उस बच्चे को अपनी गोद से उठाकर अपने सीने से सटा लेती है। बल्लू घबराते हुए कहता है, ये आपका बच्चा नहीं है मालकिन, इसे आप अपना बच्चा मत कहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये तो। इतना कहकर बल्लू चुप हो जाता है। वो मन ही मन कुछ सोचता है और अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ ब्रजेश्वर से कहता है, मालिक मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत ही जरूरी बात है। ब्रजेश्वर आम लहजे में नॉर्मली कहता है, हाँ बल्लू तो बोलना, क्या बात है, इसमें इतना सोचना क्या है, बता क्या बात बतानी है तुझे मुझे। बल्लू अपनी नजरें ब्रजेश्वर पर रखते हुए भारी आवाज में कहता है, गुप्त बात है मालिक। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है ब्रजेश्वर अपनी जगह पर से उठ जाता है।
अक्सर बलू और ब्रजेश्वर के बीच गुप्त बातें चलती थी। ऐसी गुप्त बातें जो वैजयंती को कभी पता नहीं चल पाती थी। वो बातें या तो गांव के सिलसिले में होती थी या फिर आने वाली मुसीबतों के। वो गुप्त बातें ब्रजेश्वर कभी वैजयंती को नहीं बताता था और वैजयंती ने भी कभी पूछने का साहस नहीं किया था। ब्रजेश्वर कई बातें वैजयंती से छुपा कर रखा करता था, जिसका एक कारण ये था कि वैजयंती दिल की मरीज थी। अगर वो किसी बात को लेकर ज्यादा सोचती थी तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। कई बार तो ब्रजेश्वर को उसे आधी आधी रात में अस्पताल लेकर भागना पड़ा था। बल्लू और ब्रजेश्वर दोनों ही तुरंत एक कमरे के अंदर जाते हैं और उसे अंदर से बंद कर देते हैं। उन दोनों के बीच करीब करीब आधे घंटे तक बातें चलती रहती हैं, जैसे किसी बात को लेकर बहस चल रही हो। दिलीप जानबूझकर उस दरवाजे के पास जाकर खेलने का नाटक करने लग जाता है ताकि अंदर की गुप्त बातें सुन सके, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे पाता है। उस वक्त उसके कान उतने तेज नहीं थे जितने बड़े होने पर हो गए थे। वैजयंती इतना तो समझ गई थी कि कमरे के अंदर बलू जरूर उस छोटे से बच्चे के बारे में ही कुछ बता रहा होगा, पर क्या ये उसे नहीं पता था। यही सोच सोच कर वो घबराए जा रही थी कि बल्लू आखिर ब्रजेश्वर को क्या बता रहा होगा। उसने आज सोच लिया था कि जैसे ही ब्रजेश्वर बाहर आएगा वो उससे पूछकर रहेगी कि उसके और बल्लू के बीच क्या गुप्त बातें हुई, चाहे फिर आज उसका अंजाम कुछ भी हो। आधे घंटे बाद जब ब्रजेश्वर और बल्लू बाहर निकलते हैं तो ब्रजेश्वर के चेहरे पर तो मुस्कान थी, पर बल्लू के चेहरे पर अभी भी मातम छाया हुआ था। एक डर था, ऐसा लग रहा था जो वो चाहता था वो नहीं हुआ था। ब्रजेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी थी। ब्रजेश्वर के कमरे से बाहर निकलते ही वैजयंती कुछ कहती, उससे पहले ही ब्रजेश्वर खुद उससे बोल पड़ता है, वैजयंती इस बच्चे के माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कुछ पता चलेगा, क्योंकि काफी वक्त हो गया है। अगर इस बच्चे के माँ बाप जिंदा होते तो अभी तक हमें पता चल चुका होता। वैजयंती चुप खड़ी रहती है, चुपचाप ब्रजेश्वर की बातें सुनती रहती है। ब्रजेश्वर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें। जैसे ही ब्रजेश्वर ये बात बोलता है वैजयंती खुशी से फूली नहीं समाती है, वो अंदर ही अंदर खुश होने लग जाती है। ब्रजेश्वर वैजयंती की आंखों में देखते हुए कहता है, शादी के बाद तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें मुझसे दो संतानें चाहिए, पर ऊपर वाले ने तुम्हें एक संतान देने के बाद तुमसे दोबारा माँ बनने का सौभाग्य छीन लिया। उस वक्त मैंने और तुमने उस ऊपर वाले को खूब कोसा था, बुरा भला कहा था, पर कहते हैं ना अगर ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खुद ही खोल देता है। और देखो आज उस ऊपर वाले ने तुम्हारी कोख फिर भर दी इस बच्चे को तुम्हारी झोली में डालकर। वैजयंती की नम आंखों से आंसू निकलने लग गए थे और वो आंसू खुशी के थे। ब्रजेश्वर फिर वैजयंती से कहता है, तुम चुप क्यों वैजयंती, बोलो ना क्या तुम इस बच्चे की माँ बनोगी या फिर मैं इसे। ब्रजेश्वर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वैजयंती उसे बीच में टोकते हुए कहती है, हाँ जी क्यों नहीं, मैं तो कब से आपसे यही कहना चाहती थी कि क्यों ना हम इस बच्चे को अपना ले। जब मैंने इस बच्चे को पहली बार देखा था ना तभी मुझे इससे अपनापन लगने लग गया था, पर जब आपने कहा कि बल्लू इसके माँ बाप के बारे में पता करेगा तो मैं चुप रह गई, मैं आपसे ये बात नहीं बोली। पर आज आपने ये बात बोलकर मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, मेरा जीवन सफल कर दिया आपने जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। ब्रजेश्वर बड़े प्यार से नर्म लहजे के साथ कहता है, नहीं वैजयंती सौभाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे तुम मिली, जो मेरे हर फैसले को अपना लेती हो बिना कोई सवाल किए। वैजयंती की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। अगले ही पल ब्रजेश्वर वैजयंती को प्यार से गले लगा लेता है। वैजयंती के आंसू रोकने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लग जाता है। वैजयंती उस बच्चे को गोद लेने की बात से इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि ब्रजेश्वर से पूछना ही भूल गई थी कि ब्रजेश्वर और बल्लू के बीच में बंद कमरे में क्या बात हुई थी। वैजयंती भले ही खुशी के मारे सब कुछ पूछना भूल गई थी, पर दिलीप कुछ नहीं भूला था। उसने सोच लिया था कि जब वो पूरी जायदाद का दावेदार बन जाएगा, उसका हुक्म चलने लग जाएगा, वो बल्लू से पूछ कर रहेगा कि बंद कमरे में ब्रजेश्वर और बल्लू के बीच क्या बात हुई थी। एक अच्छा पति वो नहीं होता जो ज्यादा पैसे कमाना जानता हो, एक अच्छा पति वो होता है जो अपनी पत्नी के मन की बातें जानता हो, और ब्रजेश्वर एक बहुत अच्छा पति था। आज उसने ये बात साबित कर दी थी। ब्रजेश्वर ने वैजयंती को अभी भी अपने गले लगाकर रखा हुआ था। वैजयंती उसके गले मिलकर ही उससे बातें करते जा रही थी। वैजयंती कहती है, हम इससे भी उतना ही प्यार करेंगे जितना दिलीप से करते हैं, इसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि ये हमारी सगी औलाद नहीं है, इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। ब्रजेश्वर हामी भरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं वैजयंती, हम इसे हमारी औलाद की तरह ही पालेंगे, हम इसे हमारी पहचान देंगे। वैजयंती बाहों के आगोश से दूर हटते हुए कहती है, पहचान, पहचान देने के लिए तो नाम देना जरूरी है ना, और अभी तक तो हमने इसे कोई नाम ही नहीं दिया है। ब्रजेश्वर तुरंत कहता है, वैजयंती हम इसे नाम तो दे चुके हैं और कितनी बार देंगे। वैजयंती मुंह बनाते हुए कहती है, नाम दे चुके हैं, क्या नाम दिया है हमने इसे दिलीप के पापा। ब्रजेश्वर मुस्कुराते हुए कहता है, लेखक बाबू और क्या, यही तो नाम दिया था मैंने इसे, देखो अभी भी मेरा पेन इसने पकड़ कर ही रखा है, कैसे खेल रहा है इसके साथ हमारा लेखक बाबू। वैजयंती कहती है, दिलीप के पापा ये भी भला कोई नाम होता है, ये तो वो नाम है जो इंसान के कर्मों से उसे मिलते हैं, और अब ये बड़े होकर क्या कर्म करता है वो तो वक्त ही बताएगा। ब्रजेश्वर कहता है, मैं कह तो चुका हूँ ये बहुत बड़ा लेखक बनेगा, देख लेना तुम।
मैं इसकी आंखों में इसका भविष्य देख चुका हूँ। वैजयंती कहती है, दिलीप के पापा आप ना ये सब छोड़िए, अभी हमें इसे वो नाम देना है जो माँ बाप देते हैं, तो बताइए क्या नाम दें इसे। ब्रजेश्वर मुंह बनाते हुए कहता है, अगर मैं इसका बाप हूँ तो तुम भी तो इसकी माँ हो, तो फिर तुम ही कोई नाम क्यों नहीं दे देती अपने बेटे को। वैजयंती कुछ सोचते हुए कहती है, क्या नाम रखूं मैं अपने बेटे का, क्या नाम रखूं, हाँ अनुराग, आज से मेरे इस बेटे का नाम अनुराग है। ब्रजेश्वर पूछता है, अनुराग, अनुराग क्यों भला, क्या मैं जान सकता हूँ तुम अपने इस बेटे का नाम अनुराग क्यों रखना चाहती हो। वैजयंती जवाब देती है, क्योंकि अनुराग का मतलब होता है प्रेम, स्नेह, भक्ति, उपासना, लगाव, और देखना मेरा बेटा सारी दुनिया में प्रेम फैलाएगा, हर कोई उससे लगाव करेगा, दुनिया में बड़ा नाम कमाएगा और हमारा भी नाम रोशन करेगा। वैजयंती की ये बात ब्रजेश्वर के मन को भा जाती है और वो भी उस बच्चे का नाम अनुराग रखने के लिए राजी हो जाता है। वैजयंती अनुराग और दिलीप को देखते हुए कहती है, आज से मेरे दो बेटे हैं, एक दिलीप और दूसरा अनुराग। वैजयंती के मुंह से ये बात सुनते ही दिलीप गुस्से के साथ ईर्ष्या दृष्टि से अनुराग को घूरने लग जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। वैजयंती के मुंह से ये बात सुनते ही कि अनुराग अब दिलीप का भाई है, दिलीप गुस्से के साथ ईर्ष्या दृष्टि से अनुराग को घूरने लग जाता है। वक्त एक ऐसी चीज है जो कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अनुराग ब्रजेश्वर और वैजयंती के दिल के और करीब आते गया। एक तरफ ब्रजेश्वर और वैजयंती के दिल में अनुराग के प्रति प्यार बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ उतनी ही ईर्ष्या घृणा दिलीप के मन में बढ़ती जा रही थी। वैजयंती प्यार तो दोनों भाइयों को बराबर करती थी, पर दिलीप माँ के प्यार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था और उसे ना चाहते हुए भी वो प्यार अनुराग के साथ बांटना पड़ रहा था। अनुराग ने बचपन में सिर्फ ब्रजेश्वर और वैजयंती के दिल में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे बल्लू के दिल में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। वो उसके भी मन को भाने लग गया था। अनुराग की आंखें थी ही इतनी प्यारी कि उसे देखकर हर कोई उसकी तरफ मोहित हो जाए, पर फिर भी बल्लू अनुराग से कुछ डरा डरा सा रहता था, उसे कभी छूता नहीं था, दूर से ही देखकर खुश हो जाया करता था। ब्रजेश्वर और वैजयंती ने तो अनुराग को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वो उनका सगा बेटा नहीं था, पर दिलीप अनुराग को हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहता था कि अनुराग और उसका खून का रिश्ता नहीं था। उसे किसी न किसी बात पर ताने देता रहता था, कोई न कोई तरीका ढूंढते रहता या फिर कोई साजिश रचते रहता जिसमें अनुराग फंस जाए और वो वैजयंती और ब्रजेश्वर की नजरों से गिर जाए। आज भी दिलीप अनुराग को एक साजिश में ही फंसाने काला झाड़ी जंगल खेलने के बहाने लेकर आया था। अनुराग 7 साल का हो गया था और दिलीप 14 साल का। दोनों ही काला झाड़ी जंगल के अंदर लुका छिपी खेल रहे थे। खेलते खेलते दिलीप अनुराग को काला झाड़ी जंगल के कुछ ज्यादा ही अंदर ले आया था और अनुराग खेलने में इतना मगन हो गया था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला था। वो दोनों ऐसी जगह पर थे जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए था। शाम हो गई थी और कुछ ही देर में रात होने वाली थी। शाम होती देख अनुराग समझ जाता है कि घर जाने का वक्त हो गया है। अनुराग कुछ घबराते हुए कहता है, दिलीप भैया अंधेरा होने लग गया है, हमें घर जाना चाहिए वरना पिताजी डांटेंगे। दिलीप पकड़ते हुए कहता है, ऐसे कैसे घर चले जाए, अभी तेरा दाम देना बचा है, बिना दाम लिए मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगा, तू घर जाने की सोचना भी मत। अनुराग हिचकिचाते हुए डर के साथ कहता है, मैं दाम कल दे दूंगा दिलीप भैया, पर प्लीज अभी घर चलिए वरना पिताजी डांटेंगे। दिलीप फिर वही बात दोहराता है, नहीं तुझे आज दाम देना ही पड़ेगा, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, जब भी तेरी दाम देने की बारी आती है तुझे घर की याद आने लग जाती है, पर आज मैं तुझे दाम दिए बिना नहीं जाने दूंगा, दाम तो तुझे देना पड़ेगा आज अभी इसी वक्त, समझा तू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुराग फिर एक बार दिलीप को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर दिलीप भैया मैं कल पक्का आपको दाम दे दूंगा, अभी आप एक बार वक्त भी तो देखिए क्या हुआ है, अंधेरा होने लग गया है, याद है ना माँ ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, और पिताजी उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम खेलने के लिए काला झाड़ी जंगल आए हैं। अचानक से अनुराग कुछ डरते हुए आगे की बात ऐसे कहता है जैसे कोई राज की बात बता रहा हो, आप जानते हैं ना पिताजी ने हमें काला झाड़ी जंगल और घाट के पास खेलने से मना किया था, कहा था ये जगह बुरी है, यहाँ पर कोई बुरी चीज रहती है, इन जगहों पर मत जाना, कोठी के आसपास ही खेलना, और देखिए हम खेलते खेलते यहाँ तक आ गए हैं, बुरी जगह जहाँ पर बुरी चीजें रहती हैं। दिलीप अनुराग को अपनी गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, बुरी चीजें, कैसी बुरी चीजें, कोई बुरी चीजें नहीं होती, समझा, तू ना बड़ा डरपोक लड़का है, ये बता तू लड़का भी है या नहीं, क्योंकि लड़के डरते नहीं है और तू ना बड़ा डरता है, डरपोक। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए दिलीप भैया, पर प्लीज चलिए यहाँ से वरना पिताजी को इस बात का पता चला तो पिताजी डांटेंगे, पिताजी बहुत डांटेंगे, आप जानते हैं ना वो कितना डांटते हैं। दिलीप अनुराग पर चिढ़ते हुए उस पर फिर से रोब जमाते हुए कहता है,
चुप कर पापा के चमचे, ये क्या तूने पिताजी डांटेंगे लगा कर रखा हुआ है? पिताजी को मैं देख लूंगा, मैं उनसे नहीं डरता। तुझे पिताजी तो बाद में डांटेंगे, अगर तूने मुझे दाम नहीं दिया तो पहले मैं तुझे यहाँ पर सूतूंगा, मार मार के तेरी कनपटी लाल कर दूंगा और फिर उसके बाद तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा, समझा तू? दिलीप की बात सुनकर अनुराग का चेहरा उतर जाता है, वो मायूस हो जाता है। जब अनुराग कुछ नहीं कहता है तो दिलीप अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहता है, बोल अब तुझे दाम देना है या नहीं देना है? अनुराग मायूस लहजे में ना चाहते हुए भी हाँ कहते हुए कहता है, देता हूँ भैया, पर हाँ ये आखिरी बार है, अगर मैंने आपको ढूंढ लिया तो फिर उसके बाद सीधे घर जाएंगे माँ के पास। दिलीप मन ही मन अनुराग को शातिर नजरों के साथ देखते हुए मन में सोचता है, पहले तू मुझे ढूंढ कर तो दिखा, आज ऐसी जगह छुपूंगा ना कि मुझे ढूंढते ढूंढते तू खुद गुम हो जाएगा। अनुराग फिर हिचकिचाते हुए कहता है, बोले ना भैया इसके बाद घर चलेंगे ना हम? दिलीप मुंह बनाते हुए जवाब ना देने के अंदाज में कहता है, हाँ हाँ चल देंगे, पहले तू दाम तो दे, मुझे ढूंढ कर तो दिखा। अनुराग ना चाहते हुए भी अपने से 10 कदम की दूरी पर जाकर जो बड़ा सा पेड़ था उसके पीछे जाता है और 1 से लेकर 10 तक बेमन से गिनती गिनने लग जाता है। उतनी देर में दिलीप और ज्यादा काला झाड़ी जंगल के अंदर जाकर छुपने लग जाता है। अनुराग अपनी प्यारी सी आवाज में गिनती खत्म करते हुए कहता है, 7, 8, 9 और 10, कोई छुपे या ना छुपे मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अनुराग काला झाड़ी जंगल के अंदर दिलीप को ढूंढने निकल जाता है। अनुराग दिलीप को अपने आसपास ढूंढते हुए कहता है, दिलीप भैया मैं ढूंढ लूंगा आपको, दिलीप भैया मैं ढूंढ लूंगा आपको, आप देखना मैं आपको ढूंढ लूंगा, कहाँ छुपे हैं आप? यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग दिलीप को ढूंढते रहता है। 10 से 15 मिनट हो गए थे अनुराग को दिलीप को ढूंढते हुए, पर वो अभी तक अनुराग को नहीं मिला था। नॉर्मली दिलीप और अनुराग आसपास के पेड़ के पीछे ही छुपते थे, पर अनुराग ने उन सारे पेड़ों के पीछे देख लिया था जहाँ पर दिलीप छुप सकता था, पर दिलीप अनुराग को कहीं नहीं मिला। अब अनुराग की घबराहट बढ़ने लग गई थी क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था अंधेरा बढ़ने लग गया था और अंधेरे को देखकर अनुराग का डर भी बढ़ने लग गया था। अनुराग अपने आसपास फैले अंधेरे को देखकर डरते हुए कहता है, दिलीप भैया कहाँ छुपे हैं आप? बाहर आ जाइए, देखिए अंधेरा हो गया है, मुझे डर लग रहा है, आप जीत गए मैं हार गया भैया, मैं हार मानता हूँ, प्लीज बाहर आ जाइए। दिलीप का कुछ जवाब नहीं आता है। दिलीप अनुराग से करीब 20 कदम दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वहीं से अनुराग को डरते हुए देख रहा था। अनुराग को डरते हुए देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दिलीप अनुराग को डरते हुए देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ढूंढने दो इस सौतेले को यहीं पर, ढूंढते आज ये कहीं काला झाड़ी जंगल में गुम हो जाएगा, बुरी चीजें इसे खा ही जाए तो ही अच्छा है, मैं तो जा रहा हूँ अपने माँ बाप के पास। इतना कहकर दिलीप काला झाड़ी जंगल से बाहर निकलते हुए ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाता है। अनुराग अपने आसपास दिलीप को ढूंढते रहता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता है। अनुराग को पूरी उम्मीद थी कि दिलीप ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमेशा की तरह आसपास ही छुपा होगा, इसलिए अनुराग बार बार अपने आसपास ही दिलीप को ढूंढ रहा था। जब बार बार ढूंढने पर भी दिलीप अनुराग को नहीं मिलता है तो वो काला झाड़ी जंगल के अंदर जाकर उसे ढूंढने लग जाता है। अंधेरा हद से ज्यादा बढ़ गया था और उसी के साथ साथ अनुराग के अंदर का डर भी। दिलीप को ढूंढते ढूंढते उसके पैर दर्द देने लग गए थे पर उसे वो नहीं मिला था। देखते ही देखते अनुराग काला झाड़ी जंगल के अंदर भटक जाता है, काला झाड़ी जंगल के अंदर खो जाता है, वो भूल जाता है कि वो किस तरफ से आया था और उसे किस साइड जाना था। अनुराग रोते हुए दिलीप को पुकारते हुए कहता है, भैया कहाँ हैं आप? बाहर आइए भैया, मुझे डर लग रहा है, आप जीत गए मैं हार गया, प्लीज भैया बाहर आ जाइए। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग डरते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। वो इतना थक गया था कि उसके पैरों में जान नहीं थी, फिर भी वो चलते जा रहा था, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। अनुराग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए ही जा रहा था कि तभी उसे जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। उन आवाजों को सुनकर अनुराग का दिल दहल जाता है, उसके अंदर का डर इतना बढ़ जाता है कि वो अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा पाता है। वो वहीं पर डर के मारे नीचे बैठ जाता है और रोने लग जाता है। उसे ब्रजेश्वर की बातें याद आने लग जाती हैं कि काला झाड़ी जंगल में और घाट पर बुरी चीजें होती हैं। उन बुरी चीजों का डर उसे सताने लग जाता है। अनुराग रोते हुए अपने आप को हौसला देते हुए कहता है, कोई बुरी चीजें नहीं होती है, दिलीप भैया ने मुझसे कहा था वो मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे, वो भी मेरी तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। अनुराग यही आस लगाए हुए था कि दिलीप उसे लेने के लिए आएगा, पर दिलीप नहीं आता है। जंगली जानवरों और अंधेरे का डर उसे सताने लग जाता है, वो बिलक बिलक कर रोने लग जाता है। अंधेरा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 8 बजे ही ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। अनुराग रो ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। जैसे ही अनुराग ये आवाज सुनता है रोना बंद कर देता है। वो अपने आसपास देखते हुए पुकारता है, कौन है यहाँ? वो अपने आसपास देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उस लड़की की आवाज तो सुनाई दे रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की की आवाज सुनकर वो रोना तो बंद कर देता है पर उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे हवाएं तेज चल रही थी, जंगल के अंदर खामोशी होने के कारण एक पत्ता भी हिलता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अनुराग डरते हुए फिर खुद से कहता है, दिलीप भैया कहाँ हैं आप?
जल्दी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर अनुराग फिर रोने लग जाता है। अभी अनुराग ने रोना शुरू ही किया था कि तभी फिर लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। तुम फिर रोने लग गए, मैंने कहा ना अच्छे बच्चे रोते नहीं है। इस बार अनुराग जब वो आवाज सुनता है तो वो इतना तो समझ ही जाता है कि उसके आसपास जरूर कोई ना कोई था। अनुराग धीरे से कहता है, कौन है, कौन है यहाँ, सामने आओ। लड़की की आवाज सुनाई देती है, मैं सामने आऊं? अनुराग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, हाँ सामने आओ। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है वो देखता है कि उसके सामने जो बड़ा सा पेड़ था उसके पीछे से कई सारे जुगनू बाहर निकलने लग जाते हैं। उन जुगनुओं के साथ ही पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर निकलने लग जाती है। वो लड़की अंधेरे में खड़ी हुई थी जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम अनुराग की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे वो लड़की अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी उसके साथ ही जुगनू भी हवा में उड़ते हुए आगे आते जा रहे थे। अनुराग को लगने लग जाता है वो वही बुरी चीज है जिसके बारे में उसके पिताजी उसे बताते थे। उसके अंदर का डर और बढ़ जाता है। अनुराग खुद से बड़बड़ाता है, बुरी चीज, बुरी चीज। अनुराग के अंदर का डर और बढ़ गया था। जब वो लड़की अनुराग के एकदम सामने आती है तो उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। अनुराग के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। अनुराग के सामने कोई और नहीं बल्कि कामेश्वरी यक्षिणी खड़ी हुई थी जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी, कुछ इस तरह से कि उसकी कामुक कमर और नाभि साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके नितंबों तक आ रहे थे। वो अनुराग को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। आसपास का अंधेरा भी छट गया था, हर तरफ जुगनू मंडरा रहे थे। जुगनुओं ने आसपास अपनी रोशनी बिखेर दी थी। वो डर जो कुछ देर पहले अनुराग के मन में था वो पूरी तरह खत्म हो गया था। डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। पर अगले ही पल उसे उसके पिताजी की बात याद आती है कि जंगल में बुरी चीजें रहती हैं। इस बात का एहसास होते ही वो फिर से डरते हुए बड़बड़ाता है, बुरी चीज, बुरी चीज, बचाइए पिताजी, माँ बचाइए, बुरी चीज आ गई। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखकर भांप जाती है कि उसे डर लग रहा था। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, डरो मत अनुराग, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, तुम मुझे कैसे जानती हो। यक्षिणी प्यार से कहती है, मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अनुराग, और सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि इस लोक में मौजूद सभी लोगों के बारे में। अनुराग हकलाते हुए धीरे से कहता है, कौन हो तुम। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं हूँ अनुराग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्वाबों की रानी, तुमने पहचाना नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं हूँ अनुराग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्वाबों की रानी, तुमने पहचाना नहीं। अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, बस एकटक नजर से यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी हूँ। अनुराग हकलाते हुए कहता है, यक्षिणी कौन, यक्षिणी। अनुराग का ये सवाल सुनकर यक्षिणी हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है, अभी तो बताया अनुराग मैंने तुम्हें, मैं यक्षिणी हूँ, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्वाबों की रानी। कुछ देर तक तो अनुराग यक्षिणी के खूबसूरत चेहरे को एकटक नजर से यूं ही देखते रहता है, पर फिर तभी उसे उसके पिताजी ब्रजेश्वर की बातें याद आने लग जाती हैं, और वो तुरंत यक्षिणी से अपनी नजरें हटा लेता है। जमीन की तरफ देखते हुए डरते हुए अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, बुरी चीजें, बुरी चीजें। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, नहीं अनुराग, मैं बुरी नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ, जरा एक बार देखो मेरी तरफ। जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है अनुराग चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर करके यक्षिणी को देखने लग जाता है। जब इस बार अनुराग यक्षिणी को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उसे यक्षिणी उन जादुई परियों की तरह दिखने लग जाती है जिसकी कहानी वैजयंती उसे सुनाया करती थी। अनुराग खामोश रहता है और खामोशी के साथ ही यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी के आसपास पीली रोशनी में जगमग जगमग चमकते हुए जुगनू अनुराग को यक्षिणी की तरफ आकर्षित कर रहे थे। इस बार अनुराग एक बार यक्षिणी की तरफ देखता है तो दूसरी बार उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता है। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखकर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए था, वो क्या चाहता था। यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए ही उससे पूछती है, तुम यहाँ काला झाड़ी जंगल में खो गए हो ना अनुराग। अनुराग कहता कुछ नहीं, बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देता है। यक्षिणी आगे कहती है, तुम्हें घर जाना है ना अनुराग। अनुराग फिर कुछ नहीं कहता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। यक्षिणी फिर कहती है, तो चलो अनुराग, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ, तुम्हारी माँ के पास।
जब अनुराग यक्षिणी के मुंह से माँ का जिक्र सुनता है तो उसे अपनी माँ की याद आने लग जाती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहता है, आप मुझे मेरी माँ के पास ले जाएंगी? यक्षिणी कहती है, हाँ अनुराग, मैं ले जाऊंगी तुम्हें उनके पास, चलो मेरे साथ। डरो मत अनुराग, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और अनुराग अगले ही पल अपना हाथ यक्षिणी के हाथ में रख देता है। जैसे ही अनुराग यक्षिणी को छूता है, उसके हाथ की कलाई पर बना बूंद का निशान लाल रंग में चमकने लग जाता है। पर अनुराग का उस चीज पर ध्यान नहीं जाता है, पर यक्षिणी का ध्यान अगले ही पल चले जाता है। यक्षिणी उस बूंद के निशान को चमकते देख मन ही मन खुश होते हुए कहती है, चलो चलते हैं अनुराग घर। अनुराग यक्षिणी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाता है। कहानियां दोहराई जाती हैं। ये बात उतनी ही सच है जितनी हम सब की जिंदगी। अगर आज पहली मुलाकात में कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के बचपन में उसे ग्रेवयार्ड कोठी का रास्ता बता रही थी, उसे वहाँ पर ले जा रही थी, तो सालों बाद कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी यामिनी भी युग से पहली मुलाकात में उसे नदी पार करवा के ग्रेवयार्ड कोठी ले जाने वाली थी। दोनों माँ बेटी का मकसद एक ही था और शिकार भी एक ही परिवार से। तो मैंने कहा था ना, कहानियाँ दोहराई जाती हैं, तो ये कहानी भी दोहराई जाने वाली थी युग के साथ। अनुराग यक्षिणी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ ही देर में अनुराग यक्षिणी के साथ अच्छा घुल मिल गया था। उसे यक्षिणी के साथ एक अपनापन महसूस होने लग गया था, वही अपनापन जो उसे उसके माता पिता के साथ महसूस होता था। अनुराग और यक्षिणी बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों ने ही आधा रास्ता पार कर लिया था और कुछ ही देर में वो दोनों काला झाड़ी जंगल से बाहर निकलने वाले थे। यक्षिणी चलते हुए अनुराग से कहती है, अनुराग तुम्हें काला झाड़ी जंगल से ग्रेवयार्ड कोठी जाना है ना, तुम वहीं रहते हो ना? अनुराग हैरानी के साथ अपनी भवें ऊपर करते हुए यक्षिणी से पूछता है, आपको कैसे पता मैं वहाँ पर रहता हूँ? यक्षिणी हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? अनुराग मैंने कहा था ना, मुझे सब कुछ पता है, मुझसे कुछ छुपा नहीं रह सकता, समझे तुम? अनुराग चुप रहता है। वो कुछ सोचते हुए अगले ही पल यक्षिणी से पूछ बैठता है, आप कहाँ रहती हैं? यक्षिणी अपने आसपास देखते हुए कहती है, मैं तो यहीं पर रहती हूँ, कभी काला झाड़ी जंगल में तो कभी घाट के पास। अनुराग हकलाते हुए डर के साथ कहता है, क्या कहा? कहा घाट के पास? यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तो क्या हुआ अनुराग, इसमें इतना डरने की क्या बात है, घाट पर ही तो रहती हूँ। अनुराग डरते हुए धीरे से कहता है, पिताजी कहते हैं कि इन जगहों पर बुरी चीजें रहती हैं, इन जगहों पर मुझे नहीं जाना चाहिए। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारे पिताजी झूठ बोलते हैं अनुराग, क्या मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ? इतना कहकर यक्षिणी चुप हो जाती है और अनुराग की तरफ देखने लग जाती है। अनुराग नाम में अपना सिर हिलाकर जवाब देने ही वाला था कि तभी यक्षिणी बोल पड़ती है, हाँ अनुराग मैं बुरी हूँ, पर उन लोगों के लिए जो बुरे हैं, पर तुम तो अच्छे हो ना अनुराग, तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी अच्छी हूँ, लेकिन जिस दिन तुम बुरे हो जाओगे मैं तुम्हारे लिए भी बुरी हो जाऊंगी। अनुराग खामोशी के साथ एकटक नजर से यक्षिणी को देखते रहता है, पलट कर कुछ नहीं बोल पाता है। यक्षिणी भी अनुराग को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर अनुराग की जेब में जो काला पेन था उस पर पड़ती है। ये वही पेन था जो ब्रजेश्वर ने बचपन में अनुराग को दिया था। यक्षिणी उस पेन को देखते हुए कहती है, ये पेन क्यों रखा है तुमने अपनी जेब में? अनुराग उस पेन को अपनी जेब से निकालकर यक्षिणी को दिखाते हुए कहता है, ये पेन मेरे पिताजी का है, माँ बताती है कि ये पेन मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, बड़ा होकर इससे मैं कहानियाँ लिखूंगा, इसलिए हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ ताकि ये पेन मुझसे खो न जाए। यक्षिणी पूछती है, अच्छा कहानियाँ लिखोगे, मतलब तुम बड़े होकर लेखक बनना चाहते हो? कौन सी कहानी लिखोगे तुम अनुराग? अनुराग सोच में पड़ जाता है, भला एक 7 साल का बच्चा क्या बता पाता कि वो बड़े होकर कैसी कहानी लिखेगा? उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो बड़ा होकर लेखक बन भी पाएगा या नहीं। अक्सर बचपन में देखे गए ख्वाब बड़े होकर बदल जाते हैं, कुछ को हम खुद बदलते हैं तो कुछ ख्वाबों को हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं। अनुराग कुछ सोच ही रहा था कि वो यक्षिणी से क्या बोले, उसी वक्त यक्षिणी अपने घुटनों के बल बैठते हुए अनुराग के बराबर होती है और उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, तुम मेरी कहानी लिखोगे अनुराग? अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, खामोशी के साथ यक्षिणी को एकटक नजर से देखते रहता है। यक्षिणी फिर अनुराग से पूछती है, बोलो अनुराग मेरी कहानी लिखोगे तुम, एक यक्षिणी की कहानी? अनुराग बड़ी मासूमियत के साथ यक्षिणी से पूछता है, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी कौन सी कहानी है? यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए ही जवाब देती है, यक्षिणी की कहानी अनुराग, जो है सदियों से पुरानी, एक यक्षिणी की डायन बनने की कहानी, उसके अभिशाप की कहानी। अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, बस मासूमियत के साथ एकटक नजर से यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, बोलो अनुराग मेरी कहानी लिखोगे, एक यक्षिणी की कहानी? यक्षिणी की आंखों में अनुराग को सदियों पुरानी एक तड़प दिखाई दे रही थी, एक दर्द दिखाई दे रहा था, वो तड़प और दर्द जो बीतते वक्त के साथ यक्षिणी के मन और आंखों में बढ़ती गई थी, वही तड़प और दर्द अनुराग की आंखों में भी दिखाई देने लग गया था, जैसे अनुराग यक्षिणी के दर्द को अपना रहा हो,
उसे महसूस कर रहा हो, उसके दर्द को अपना बना रहा हो। यक्षिणी फिर अनुराग से पूछती है, बोलो अनुराग, तुम खामोश क्यों हो? तुम मेरी कहानी लिखोगे? अनुराग को न जाने क्या हो जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और अगले ही पल तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं लिखूंगा तुम्हारी कहानी, मैं तुम्हारी कहानी जरूर यक्षिणी। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, वादा करो मुझसे अनुराग कि तुम मेरी कहानी जरूर लिखोगे। अनुराग भी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए ही उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उससे वादा करते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी कहानी जरूर लिखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा, मैं तुम्हारी कहानी जरूर लिखूंगा, मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। यक्षिणी और अनुराग दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए थे। अभी अनुराग ने यक्षिणी से उसकी कहानी लिखने का वादा किया ही था कि तभी ब्रजेश्वर की आवाज सुनाई देती है, अनुराग अनुराग बेटा कहाँ पर हो तुम, अनुराग अनुराग बेटा। जैसे ही अनुराग ब्रजेश्वर की आवाज सुनता है हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ये आवाज तो मेरे पिताजी की है, वो आ गए मुझे लेने के लिए, वो आ गए। इतना कहकर अनुराग ने लेफ्ट साइड अपना सिर घुमाया ही था कि तभी वो देखता है कि लेफ्ट साइड में झाड़ियों को हटाते हुए ब्रजेश्वर और बल्लू आगे बढ़े जा रहे थे। दोनों ने ही अपने हाथ में टॉर्च पकड़ा हुआ था जिसकी रोशनी की मदद से वो दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उन दोनों के साथ ही दिलीप भी था जिसके दोनों गाल लाल थे, एक गाल पर हाथ के पंजों के निशान भी छपे हुए थे जिसका साफ मतलब था कि ब्रजेश्वर ने उसकी जमकर कुटाई करी होगी। तब जाकर दिलीप ने उन्हें बताया होगा कि वो अनुराग को काला झाड़ी जंगल में अकेला छोड़कर आ गया था। जब ब्रजेश्वर अनुराग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता है, वो फुर्ती के साथ भागते हुए अनुराग के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, तू ठीक है ना अनुराग? अनुराग अपना सिर हिलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ पिताजी। ब्रजेश्वर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर वाले को धन्यवाद देते हुए कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू मिल गया, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। अनुराग बड़े प्यार से कहता है, मुझे आपको किसी से मिलवाना है पिताजी। ब्रजेश्वर मुंह बनाते हुए धीरे से कहता है, मिलवाना है पर किससे? अनुराग खुश होते हुए कहता है, मेरी नई दोस्त से, इससे मिलिए। इतना कहकर अनुराग वापस से राइट साइड मुड़ा ही था कि वो देखता है कि कुछ पल पहले जहाँ पर यक्षिणी खड़ी हुई थी अब वो वहाँ पर नहीं थी। अनुराग का चेहरा उतर जाता है, वो मायूस हो जाता है। अनुराग हड़बड़ाते हुए हैरानी के साथ कहता है, वो कहाँ चली गई? अभी तो यही थी पिताजी। ब्रजेश्वर अपनी भवे ऊपर करते हुए कहता है, चली गई? कौन कहाँ पर चली गई बेटा? अनुराग कुछ याद करते हुए कहता है, क्या नाम था उसका, क्या नाम बताया था मुझे उसने, याद क्यों नहीं आ रहा? अगले ही पल अनुराग तुरंत बौखलाहट के साथ हकलाते हुए बोल पड़ता है, याद आया पिताजी, यक्षिणी, यही नाम बताया था उसने अपना। जैसे ही अनुराग यक्षिणी का नाम लेता है ब्रजेश्वर बल्लू और दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बल्लू घबराते हुए हकलाहट के साथ कहता है, क्या कहा छोटे मालिक आपने, यक्षिणी? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी बल्लू काका, वो बहुत सुंदर थी, वो माँ ने परियों वाली कहानियाँ सुनाई थी ना, उससे भी सुंदर, उसके आसपास बहुत सारे जुगनू थे। और तो और, अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही ब्रजेश्वर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, तुझे यक्षिणी के बारे में किसने बताया, किसने बताया तुझे उसका नाम? जरूर इस दिलीप ने ही बताया होगा। इतना कहकर ब्रजेश्वर दिलीप के कनपट्टी पर एक चमाट मारते हुए कहता है, तूने ही इसे यक्षिणी के बारे में बताया है ना, मैंने कहा था ना इसे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दिलीप रोते हुए कहता है, नहीं नहीं पिताजी, मैंने इसे यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं बताया, मैं सच कहता हूँ। ब्रजेश्वर कुछ कहता उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है, नहीं पिताजी, दिलीप भैया ने मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं बताया, यक्षिणी तो खुद यहाँ पर आई थी पिताजी, वो बहुत अच्छी है, मैं तो जंगल में खो गया था, वही मुझे यहाँ तक लेकर आई थी, मुझे ग्रेवयार्ड कोठी का रास्ता दिखा रही थी पर पता नहीं कहाँ चली गई। ब्रजेश्वर अनुराग की सारी बातों को अनदेखा करते हुए कहता है, ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहे तू, कोई यक्षिणी नहीं होती है,